नमस्कार विद्यार्थियों स्वयं प्रभा के वागदा चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम आप लोगों के साथ डी के प्रोग्राम के विभिन्न व्याख्यानों के साथ यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार तक उपस्थित होते हैं तीन से पाँच विद्यार्थियों मैं डॉक्टर पवन कुमार अरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरिद्वार से आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा आज मेरे साथ है, उपस्थित हैं डॉक्टर महेश शर्मा डीडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन देहरादून से विद्यार्थियों आप सब लोगों को जैसा कि मालूम है कि आपकी कोई भी समस्या हो उस समस्या के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है वन एट ज़ीरो ज़ीरो वन एट जीरो टू फाइव फोर थ्री वन एट ज़ीरो जीरो वन एट ज़ीरो टू फाइव फोर थ्री ईमेल के माध्यम से भी आप समस्याओं को हमारे सामने रख सकते हैं वागदा एट द रेट एन आई ओ एस डॉट ए सी डॉट इन विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की कि आज का जो टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान की अवधारणा सामाजिक विज्ञान के अवधारणा से पहले मैं आप सब लोगों को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ डेटशीट के लिए आपके पेपर जो निर्धारित हुए हैं कोड नंबर 508, उसका पेपर 15 मार्च को ढाई बजे से साढ़े पाँच बजे तक होगा शुक्रवार के दिन 509 और 510, कोड नंबर 509, कोड नंबर 510 दोनों सब्जेक्ट का पेपर 16 तारीख को होगा 16 मार्च को ढाई से साढ़े पाँच तक सैटरडे विद्यार्थियों जैसा कि आप सब लोगों को विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ तो आज की जो चर्चा <coughs> जैसे कि मैंने बताया सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के बारे में हम आपसे रूबरू हैं आप सब लोगों से चर्चा करना चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा व्यापक विषय है उस व्यापक विषय को समझने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा देहरादून से हैं तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों के साथ सामाजिक विज्ञान क्या है इसको थोड़ा सा सामान्य रूप से आप सब लोगों के साथ चर्चा प्रारंभ करें सर आपके हिसाब से सामाजिक विज्ञान आ, क्या होता है कि इसे शब्दों में कैसे बांध सकते हैं या यूं कहें कि सामान्य जो सम्प्रत्य होता है कंसेप्ट है सामाजिक विज्ञान का उस सामाजिक विज्ञान के कंसेप्ट को विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब देखिए सामाजिक विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो आदिकाल से चला रहा है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये हमारे सामने नहीं था ये लगभग आई थिंक 18वीं सदी के आसपास में ये इंट्रोड्यूस हुआ है और दूसरा जो सामाजिक विज्ञान का आम जीवन में जो उसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है समाज में जितनी भी घटनाएँ घटती है हैं चाहे वो भौतिक रूप से हैं उनसे जुड़े मानव व्यवहार हैं वो सारा का सारा सामाजिक विज्ञान के अंदर आता है समाज में जितने भी घटक हैं चाहे वो भौतिक रूप से हैं या वो हमारे बायोटिक जैसे विज्ञान हैं या उसकी और दूसरी विधाएँ हैं जैसे इतिहास है भूगोल है जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई है तो इसमें हम कह सकते हैं कि समाज विज्ञान का किसी न किसी रूप में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे होते हैं और इसका अगर हम बच्चों से सीधा सीधा भावार्थ अगर जोड़ते हैं तो सीधा अपक्ष्य निकलता है अब कोई भी घटना आप ले लीजिए जैसे आज हमारा बजट पेश हुआ है बजट सुनने में एक आर्थिक अर्थ से संबंधित है लेकिन क्योंकि ये समाज में है समाज के लिए है तो इसको आप समाज से अलग नहीं कर सकते जैसा कि विद्वान बताते भी हैं कि ज्ञान का को आप एक दूसरे से भिन्न अंग नहीं कर सकते कोई भी विधा है ज्ञान की वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं जुड़े हुए होते हैं अलग नहीं होते हैं इसी तरह से समाज विज्ञान को अब आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि समाज में घटित कोई भी घटना कोई भी व्यक्ति का व्यवहार चाहे वो किसी से संबंधित है वो सामाजिक विज्ञान के दायरे में ही आता है डॉक्टर साहब जी इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो मानव जीवन के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है कि जो भी समाज में व्यवहार होता है सोसाइटी में जिस प्रकार का बिहेवियर है उसके स्टडी का काम सामाजिक विज्ञान करता है जी। और जो भी मानव जीवन से संबंधित जितनी भी घटित जैसे कि आपने कहा जितनी भी घटित घटनाएं हैं हाँ। उन सब को हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक अपने आप अप में विज्ञान है सामाजिक विज्ञान यदि हम इसको परिभाषा में बांधे तो एक परिभाषा याद आती है चार्ल्स बियर्ड की तो उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान तिलियाँ पत्थरों तारों और भौतिक वस्तुओं से अलग ज्ञान और विचार की वह शाखा है जो मानवीय संबंधों से सरोकार रखता है, है। इसका मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी में समाज में लोगों के आपस में क्या संबंध है अब वो चाहे जैविक हो या अजैविक तत्व हो उन सब से उनका क्या संबंध होता है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक अध्ययन है या सामाजिक विज्ञान है हमारे इसमें सामाजिक विज्ञान में एक कंसेप्ट और आता है कि ज्यादातर बच्चे जो है छात्र जो है इसको हिस्ट्री का सब्जेक्ट समझ लेते हैं सामाजिक विज्ञान से हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें सामान्यतः सामाजिक विज्ञान में हम सोचते हैं कि ये कि हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी इतिहास पढ़ाया जाता है लेकिन जैसा कि ए, ए, सर ने भी कहा और मैं अपने विद्यार्थियों से भी ये चर्चा करना चाहूँगा कि एक इतना संकुचित विषय नहीं है संकुचित सब्जेक्ट नहीं है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक व्यापक शब्द है यही व्यापक सब्जेक्ट है व्यापक विषय है जिसको कि आप कह सकते हैं कि ये खाली ये पत्थरों का या जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि वो तो एक शाखा है अपने आप में वो एक पार्ट है उसका तो व्यापक रूप से यदि हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी घटित घटनाएं हैं चाहे वो इतिहास में घटी हो या आने वाले समय में हो या वर्तमान में जो भी चल रहा है तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि बहुत एक व्यापक विषय है और मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार से प्रत्येक मानव व्यवहार का जो संबंध है तो वो जितने भी शाखाएं हैं मनुष्य के व्यक्तित्व के जीवन की सामाजिक जीवन की तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वृक्ष है ये कह सकते हैं तो सामाजिक विज्ञान जैसा कि विद्यार्थियों के सर ने भी चर्चा की और यदि हम देखें भी तो खाली इतिहास में देखेंगे कि आप इतिहास के जो कोई भौतिक वस्तुएं हैं उनसे अलग हट करके हमें सोचने की आवश्यकता है और जो समाज में जितने भी इतिहास में अवशेष जिसे कह सकते हैं अभिलेख जिसे कह सकते हैं खाली केवल वही अभिलेख ही नहीं है ये अपने आप में मनुष्य जैसे सर ने कहा कि अर्थशास्त्र से भी जुड़ता है पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ता है और अन्य विज्ञान के सब्जेक्ट हैं उनसे भी जुड़ता है और बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बहुत सारे मनोविज्ञान से भी हम इसको जोड़ करके सक देख सकते हैं तो समाज में जितने भी प्रकार के विषय हैं उन विषयों को हम इनसे अलग नहीं कर सकते तो ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विषयों का विभिन्न प्रकार के तत्वों का विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का एक संगठित समूह है सामाजिक विज्ञान तो उसको इतने संकुचित रूप से हम ना लें इसको व्यापक रूप से हमें लेने की आवश्यकता है तो सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जैसे परिभाषा के साथ साथ यदि हम देखें तो नेक्स्ट यदि देखें हम कि उसको दूसरे विषयों से जैसे हम जोड़ करके चलते हैं तो उससे पहले हमें देखना होगा कि दो शब्द और हमारे एजुकेशन सिस्टम में आते हैं सर कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जी बच्चे या छात्र हमारे कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान विषय है या सामाजिक अध्ययन विषय है जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं आप सब लोगों से तो जैसे कि आपने कहा कि ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है एक विषय नहीं है ये अपने आप में व्यापक एक, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका तो उसको यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम नेचर के आधार पर भी अलग कर सकते हैं परिभाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं तो उस नेचर को यदि हम देखें जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है तो उसमें तीन चीज़ें मुझे मुख्य रूप से मिली कि ये जो सामाजिक अध्ययन विषय है या सामाजिक विज्ञान है इन दोनों को अंतर करने से पहले मैं इसके जो नेचर है सब्जेक्ट जी जी उससे आप लोगों से आपसे भी और बच्चों से चाहूँगा कि आप लोगों से आपसे वो सुनना सुने, सुने। कि ये जो सब्जेक्ट की प्रकृति है इसकी तीन मुख्य रूप से मुझे दिखाई दी कि एक तो इसको बोलते हैं कि सैद्धांतिक विषय भी है जी एक व्यावहारिक विषय जैसे कि आपने परिभाषा में बता ही दिया और एक साथ साथ बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक भी है जी तो इस सब्जेक्ट की तीन प्रकृति मुख्य रूप से मुझे जहाँ तक मुझे पता है एक सैद्धांतिक एक व्यावहारिक और एक आपकी वैज्ञानिक तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कि ये प्रकृति किस टाइप की है इसके सब्जेक्ट की कि सामाजिक विज्ञान जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रयोग में लाते हैं तो विज्ञान शब्द जुड़ने से सीधा सीधा जब कोई भी अध्ययन है वो तथ्यात्मक होता है और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विषय को अगर हम जोड़ते हैं तो आप ये मान लीजिए कि सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है आ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जब हम बात करेंगे जब हम जैसा कि हमने कहा कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है सामाजिक विषय है और सामाजिक विषय जितनी भी घटनाएं हैं उनमें व्यवहारिक पक्ष को अध्ययन करता है तो विज्ञान जो शब्द है सामाजिक विज्ञान एक बड़ा है ये सैद्धांतिक बेश कार्य करता है अब जैसे अच्छा उन दोनों के क्षेत्र भी अलग हैं जी सामाजिक विज्ञान एक व्यवहार को अध्ययन करता है सॉरी विज्ञान नहीं ये तथ्यात्मक है विज्ञान जी और सामाजिक अध्ययन जो है वो व्यवहार पक्ष को अध्ययन करता है जी। दोनों के क्षेत्र भी अलग है क्षेत्रों में जैसे आप उत्पत्ति की बात आती है जी। आप उत्पत्ति को अगर देखें तो सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन अध्ययन की उत्पत्ति का स्रोत है जी। जी। दूसरा सामाजिक व्यवहार में आप देखेंगे व्यवहार हमारा कई तरह से अध्ययन में आता है हमारा आर्थिक व्यवहार भी अध्ययन में आता है हमारा राजनीतिक भी आता है और बहुत सारी विधाएँ ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको कहीं ये नहीं दिखेंगी कि ये सामाजिक अध्ययन से या सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो वो जुड़ी हुई है जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ आज का ही हमारा बजट पेश हुआ बजट में आर्थिक आंकड़े बताए जाते हैं आंकड़ों में बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं जैसे मैं अभी देख रहा था कुछ मिनट पहले कि बताए जाते कि आय की सीमा इनकम टैक्स की पाँच लाख कर दी गई है अब ये आंकड़े हैं अर्थ से संबंधित हैं जी अब आपने उसमें एक लाइन खींच दी कि पाँच लाख तक की आय जो होगी वो इनकम टैक्स से बाहर होगी इसका एक अलग फील्ड हो गया कुछ लोग समझते हैं कि ये तो साहब कॉमर्स का फील्ड है आंकड़ों का फील्ड है इसका समाज विज्ञान से क्या संबंध है क्योंकि ये समाज के लिए है समाज के व्यवहारिक पक्ष को भी ये टच करती है छूती है उसको भी प्रभावित करती है इसीलिए यह सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है अब जब टैक्स की बात आती है तो टैक्स हमको पे करना भी होता है कई बार नहीं भी पे करना होता है जैसा आप देखते हैं हम उसमें छूट लेते हैं तो हम नियमों का हवाला देते हैं कि साहब इस आर्टिकल में ये इतनी छूट है हमने इतना एल आई सी कराया वगैरह जो होता है ये एक विधि का क्षेत्र आ गया तो विधि भी सामाजिक पक्ष को टच करती है तो इसीलिए जो भी घटनाएं घटती हैं किसी भी पक्ष से क्यों न हो वो एक सामाजिक अध्ययन का विषय वस्तु होती है जिनका निर्धारण समाज विज्ञान करता है ठीक सामाजिक विज्ञान किससे कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति हुई है जी निश्चित तौर से जी तो इसके क्षेत्र के बारे में जैसे बात करते हैं सैद्धांतिक है तो सामाजिक जैसे सभी विषयों का होता है कि उस सब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई साइंस छिपी हुई है विज्ञान छिपा हुआ है और उसी विज्ञान से फिर पक्ष बाद में आता है जी। जैसा कि विद्यार्थियों से आपने चर्चा की इसके क्षेत्र के साथ को कह सकते है कि जो हमारा घटित घटनाएं हैं क्रियाकलाप है समाज के जीवन के मनुष्य के जीवन के वो कह सकते हैं कि वो व्यवहारिक पक्ष है हमारा और वो सामाजिक अध्ययन का एक विषय है सामाजिक विज्ञान का नहीं है सामाजिक विज्ञान उसके सैद्धांतिक विषयों पे जो काम कर रहा है उसको कह सकते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान है जी तो विद्यार्थियों नेक्स्ट यदि हम देखें कि इसके कार्य का जो क्षेत्र है उसमें यदि हम चर्चा करें कि सामाजिक विज्ञान का जो कार्य है वो हमें होता है कि समाज की उपयोगिता की खोज खोज करना साइंस विषय का, का काम है साइंस में खोज की जाती है लेकिन की जाती है मानव जीवन के लिए तो जब व्यवहारिक पक्ष की तरफ हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो उसे कह सकते हैं कि प्रशिक्षण संबंधी उपयोगिताओं की खोज है कि जो मान लो कोई खोज साइंस करके हमको देती और हमारे लिए उपयोगी है लेकिन उसके लिए सोसाइटी को ट्रेंड होना भी आवश्यक है और मनुष्य को भी उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये खोज क्या है और उस खोज को सोसाइटी के लिए कैसे वो काम आ सकती है तो उसके लिए भी उसको ट्रेंड करना आवश्यक है लाभदायक है ये तो हमें सामाजिक विज्ञान बता सकता है लेकिन सामाजिक अध्ययन में हमें प्रशिक्षण को भी शामिल करना होगा इसके साथ उपयोगिता के साथ साथ सामाजिक प्रशिक्षण को भी शामिल करेंगे तब जाके होगा कि हाँ ये हमारी जो खोज हुई है और ये समाज के लिए फायदेमंद है एक तरह से और हम इसको कह सकते हैं कि उपागम के आधार पे भी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में हम अंतर करते हैं उसमें दो चीजें मुख्य रूप से जैसे पाई जाती हैं आदर्श उपागम और प्रगतिवादी उपागम जी तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदर्श उपागम का मतलब कि साइंस जो है वो हमारे सामने एक आइडियल सिचुएशन स्थापित कर देती है जी। जैसे कि हमें प्रशिक्षण में हम बात कर रहे थे रिसर्च में भी तो आदर्श जैसे आइडियल जो सिचुएशन है उनको बताना साइंस का काम है हाँ लेकिन सोसाइटी कैसे उसके साथ बैलेंस करके चलेगी या समायोजन स्थापित करके चलेगी ये हमें सामाजिक अध्ययन बता सकता है क्यों क्योंकि डेली जो क्रियाकलाप है या सामाजिक व्यवहार है मनुष्य का उसके हिसाब से कि वो डेली व्यवहार करता है मनुष्य आपस में तो तब उसे लगता है कि हाँ ये जो अप्रोच है हमारी जो प्रगतिवादी है डेली जो विकासशील या विकसित निरंतर मनुष्य अपने आप को हाँ। करता रहता है तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं देखिए जब हम अध्ययन करते हैं किसी जैसे आपने कहा कि प्रगतिवादी उपागम जो आपने लिया जी। आप लोग इसमें दो पक्ष हैं सामाजिक विज्ञान ने अब आपको सैद्धांतिक पक्ष दिया उस सैद्धांतिक पक्ष को जब व्यवहारिक पक्ष में लाएंगे तो जैसे आपने कहा कि वो ट्रेनिंग का पार्ट भी होना चाहिए ट्रेनिंग पार्ट बनाने के लिए जो भी निरंतर रूप से घटनाएं घट रही हैं उनको आपको तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करना होगा अब ये अध्ययन अब देखिए दो चीज़ें आ गई अध्ययन का जो बिंदु है अगर आप तथ्यात्मक रूप से करेंगे तो विज्ञान की परिधि में जाएगा और इसका व्यवहारिक पक्ष आप लेंगे तो वो सामाजिक अध्ययन के उसमें आएगा जी तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन सामाजिक अध्ययन जो है विज्ञान से होकर ही गुजरता है जी जी घटकों की घटक के आधार पर भी हम इसको अंतर कर सकते हैं जैसे कि बताया जाता है सामाजिक विज्ञान के जो घटक मुख्यतः बताए जाते हैं उसमें इतिहास राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र जैसे हम चर्चा कर रहे, कर रहे थे बच्चों से मानव विज्ञान एक शब्द है अर्थशास्त्र जैसे आपने चर्चा की बजट की भी और सामाजिक अध्ययन में वहीं पर विद्यालय के जो स्तर है उस पर जो विषय पढ़ाए जाते हैं इतिहास अर्थशास्त्र आदि तो इन दोनों में मैं समझता हूं कि बेसिक अंतर यही है कि जो व्यापक रूप से जितने भी विषय हैं वो सारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और संकुचित रूप से जैसे विद्यार्थी को जब हम पढ़ाते सामान्य बातें जैसे सिविक्स की पढ़ा दी अर्थशास्त्र की थोड़ी सी बातें पढ़ा दी और ज्योग्राफी की पढ़ा दी और एक जैसे स्टार्टिंग में भी प्रारंभ में भी मैंने बात की थी कि इतिहास की बात ज्यादातर हम करते हैं तो इनमें बेसिक अंतर में समझता हूँ कि घटक यदि आप देखें कि तो व्यापक रूप से जितने भी विषय हैं वो सामाजिक विज्ञान के साथ मैच करते हैं और सामाजिक विज्ञान के साथ कहें कि उनका एकीकरण है इंटीग्रेशन इसको हम बोलते हैं और विद्यालय के स्तर पर इतने विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं छात्र को तो एक घटक ये भी है कि जहाँ पर हम अंतर कर सकते हैं कि ये तो सामाजिक विज्ञान है और ये सामाजिक अध्ययन है जी संयोजन की जो प्रकृति है जैसे वो उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं कि कैसे तो सामाजिक विज्ञान है जैसे विषयों की हमने घटकों की हमने बात की तो ये जो है मिश्रित हैं सारे सब्जेक्ट सामाजिक विषय विज्ञान के साथ है, ए, मिश्रित हैं लेकिन जहाँ सामाजिक अध्ययन की बात आती है तो ठोस रूप में हमारे पास क्या है संगठित रूप में हमारे पास क्या है वो सामाजिक अध्ययन का, का विषय है तो यहाँ पर भी ए, मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वो इस आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है वो मिश्रित है और सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो संगठित क्षेत्र है उसका और ठोस है जैसे कि व्यवहार की जैसे आपने बात की तो जो समाज में सोसाइटी में तो वो तो मूर्त रूप में दिखाई देगा कि हाँ ये ये सामाजिक अध्ययन का जो ताना बाना है ये ढांचा है ये ऐसा चल रहा है सामाजिक विज्ञान हमें तथ्यात्मक जानकारी दे देगा लेकिन उन तथ्यात्मक जानकारी ठोस रूप में समाज में या सोसाइटी में कैसे काम करती हैं उनको उनके आधार पर भी हम देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जैसे पाठक के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं तो जो पाठक होगा जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठक है वो संकुचित लोग संकुचित नहीं कह सकते हैं मतलब बहुत कम लोग होंगे पढ़ने हो, दायरा कम है क्योंकि एक व्यापक विषय है और उसको व्यापक विषय को पढ़ने के लिए उसका जो मस्तिष्क का जो दायरा है बुद्धि जो है उसका पाठक का तो वो बहुत उच्च स्तर का चिंतन स्तर होना चाहिए क्योंकि विज्ञान जो विषय है अपने आप में जैसे बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मानव विज्ञान जैसे छात्र को समझाने में इसमें हमें दिक्कत आएगी छात्र मानव विज्ञान वो सामान्य सब्जेक्ट तो समझ सकता है सामान्य बातें सामान्य सिद्धांत उनकी तो बातें कर सकता है लेकिन उच्च स्तर पे जब जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर चिंतन स्तर का फर्क आ जाएगा तो इस आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठक है वो बहुत कम है कम कम लोग हमें यदि यह कहें कि चिंतन लेवल पर पढ़ने वाले लोग कम मिलेंगे और जो विद्यालय का जो लेवल है वो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे उसको व्यापक कह सकते हैं उसमें विद्यार्थी भी पढ़ता है और जैसे कि माता पिता भी कई बार सब्जेक्ट जैसे क्या पीटीएम के माध्यम से जानकारी रखते हैं तो उसका क्षेत्र जो है सामाजिक अध्ययन विषय का जो व्यापक विषय है व्यापक पाठक है उसका पढ़ने वाला है और जुड़ा हुआ है तो सोसाइटी जो है वो पूरी की पूरी सामाजिक अध्ययन से जुड़ी है और जो हमारा जैसे कि बात करते हैं हम व्यवहार की बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन में ही तो इतना बड़ा सोसाइटी है इतना बड़ा समाज है और उसके इतने सारे घटक हैं तो वो सारे सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान से विकसित क्षेत्र है व्यापक क्षेत्र है सामाजिक अध्ययन तो सामाजिक विज्ञान तो यूँ कहें कि एक बात तथ्यात्मक जानकारी देने के बाद फिर उसका काम या उसकी करते हुए जो है वो समाप्त हो जाता है जी नेक्स्ट हम आधार यदि एक घटक की ओर बात करें तो जो अध्ययन की अवस्था है जो स्टेज है सामाजिक विज्ञान की वो केवल एक मानव समाज है जी। तो समाज मानव समाज के बारे में विज्ञान हमें तथ्य बताएगा जानकारी दे देगा और जितना भी इतिहास है या यूँ कहें कि संभावनाएं है जो हैं आने वाले समय की वो हमें बता देगा तो वो मानव समाज के बारे में विज्ञान बा, काम करता है लेकिन विद्यालय जो है वो डायरेक्ट समाज से जुड़ा हुआ है सामाजिक अध्ययन से तो हम कह सकते हैं कि मानव समाज इस सामाजिक विज्ञान में, में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक अध्ययन में हम कह सकते हैं कि टोटल पूरा जो यूँ कहें कि जितने भी जैविक अजैविक साधन संसाधन हैं उन सब का इसमें अध्ययन कर सकते हैं और विद्यालय की भूमिका उसमें ज़्यादा है जैसा कि हमारे जॉन डीवी जी ने भी कहा है समाज के वो तो बड़े उनका एक फिलोसफी है पूरा अपने आप में प्रेगमेटिज्म के संदर्भ में तो उन्होंने कहा कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु दर्पण है तो आपको आप हमारे विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि इस स्कूल को या विद्यालय को समाज का लघु दर्पण यदि हम कहें तो क्या ये सही वक्तव्य है बिल्कुल सही है इसे दूसरे शब्दों में अगर तुलनात्मक तो दृष्टि से हम देखें तो जैसे हमने अभी अपने एक घटक के रूप में देखा कि इतिहास है भूगोल है देखिए समाज संस्कृति शिक्षा ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं एक दूसरे से जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो विद्यालय की बात भी करते हैं जब सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तब भी विद्यालय आता है लेकिन जब सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं अब मान लीजिए हमने एक इतिहास इसका घटक ले लिया इतिहास जो होता है वो पूर्व घटनाओं से निकलता है अब जैसे आपने शिक्षा ली अब शिक्षा की अगर हम पद्धति देखते हैं अभी तो आप देखेंगे कि पूर्व में शिक्षा कैसे ली जाती थी उसमें धीरे धीरे कौन से विषय जुड़ते चले गए अब मनोविज्ञान का विषय है ये भी बहुत पहले नहीं था ये भी लगभग अट्ठावी शताब्दी की बीसवीं शताब्दी के आसपास ही पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है इतिहास शुरू से चला आ रहा है लेकिन ये सामाजिक विज्ञान का सामाजिक अध्ययन का विषय उस समय नहीं होता था प्रत्यक्ष रूप से हमको पढ़ाया जाता था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ था इतिहास से आपने घटनाएं घटी और आपने देखा आप ज्योग्राफी को ले सकते हैं इसी तरीके से भौगोलिक परिस्थितियों से शिक्षा का भी डायरेक्ट संबंध होता है संस्कृति का भी होता है व्यक्ति के खान पान का भी होता है और कई बार और आमतौर पर आप देखें मानव विकास से भी होता है शारीरिक विकास से भी होता है कई बार हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति शायद नेपाल मूल का है भाई कहीं लिखा तो नहीं है उसके ऊपर नेपाल मूल का है जी तो ज्योग्रफी के साथ में वहाँ की भौगोलिक रचना जो होती है उससे उस व्यक्ति के शारीरिक विकास पर भी फर्क पड़ता है ये जो अध्ययन क्षेत्र है ये सामाजिक विज्ञान का विषय आता है अब ये व्यवहार में आ गया तो वो सामाजिक अध्ययन में आता है तो आपने जो कहा कि परिचर्चा के लिए जो विद्यालय है वो निश्चित तौर से इसका एक स्रोत है सामाजिक अध्ययन का समाज का सीधा जो इम्पैक्ट है जो प्रभाव है वो स्कूल विद्यालय पर पड़ता है जी हाँ तो समाज का यदि अध्ययन करना चाहें हम जी तो स्कूल भी एक घटक है कि वहाँ से भी हम सोसाइटी का अध्ययन कर सकते हैं हाँ बिल्कुल एक कौन से समाज का स्कूल है या इसका समाज कैसा रहा होगा या समाज कैसे भविष्य का निर्माण कैसे हो रहा है तो सोसाइटी का या समाज का हम वहाँ से एक यूँ कहें कि प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी कई तो बार डॉक्टर साहब कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि बल्कि मैं एक बार जा रहा था तो किसी स्कूल की छुट्टी हुई बच्चों की एक भीड़ बस में चढ़ने के लिए पूरी तरह से टूट पड़ी उसके ऊपर जैसे बच्चे होते हैं स्वभाव से तो एक ने कहा कि लगता है इस किसी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो एक जो व्यवहार था उसका वो व्यवहार ये इंडिकेट करता है कि ये किस कम्युनिटी को लगभग बिलोंग करते होंगे इसी तरीके से आपका गणवेश है अब वो भी संस्कृति का पार्ट है वो भी आपके विद्यालय में देखने को मिलेगा अब से पूर्व में हमने देखा है हम छोटे थे तो कुछ जगह वो टोपी चलती थी गणवेश के अंदर वो उस समाज का दर्पण दिखाती थी कि यहाँ पर व्यक्ति जो है किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है कई जगह अब आपने देखा होगा एक मदरसा होता है वहाँ का गणवेश एक अलग होता है तो वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये समाज किससे जुड़ा हुआ है तो विद्यालय जो होता है वहाँ विभिन्न समाज से विभिन्न उनसे घटकों से निकल करके विज्ञान तथ्यों से निकल के जब आते हैं व्यवहारिक पक्ष में तो निश्चित तौर से ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल जो होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं शिक्षाएं वहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को जी जी डॉक्टर तो एक और जटिलता के आधार पर भी हम मैं अपने विद्यार्थियों से चर्चा करना चाहूँगा कि जटिलता के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सामाजिक विज्ञान जो है वो सब्जेक्ट अपने आप में जटिल है निश्चित तौर से और सामाजिक अध्ययन जो है वो सरल विषय है क्यों क्योंकि वो हमारी दैनिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है हाँ, और मानव के संबंधों से या मानवीय जो हमारे आसपास का जो वातावरण है पर्यावरण है उससे हम जुड़े हुए हैं और वो हमें समझने में आसानी रहती है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है वो अपने आप में एक सरल विषय है यो को यों कहें कि जल्दी समझ आने वाला है और सामान्य रूप से वो हमारे व्यवहार में बात है तो वो हमें पता भी नहीं कि हमें आती भी है जी, 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 लेकिन हमें उसका संबंध पता होता है लेकिन ज, वहीं जहाँ सामाजिक विज्ञान की बात हम करते हैं तो वो अपने आप में एक विषय विषय जो है वो जटिल जटिल हो जाता है जो व्यवहार में सीधा जो आपको दिखता है आप सिर्फ उसको देखते हैं और उसी का अध्ययन करते हैं लेकिन ये क्यों था इससे पूर्व में इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा ये इस अवस्था तक कैसे पहुंचा तो एक क्रोनोलिकल स्टडी बन जाती है जिसे हम वैज्ञानिक तथ्यात्मक बोलते हैं तब ये जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते इसीलिए हम उसको वैज्ञानिक पक्ष में रखते हैं ठीक है तो इसका जो फील्ड है वो जटिल बन जाता है और सामाजिक अध्ययन जो दिख रहा है आपको सिर्फ वही है इसीलिए वो सरल होता है डॉक्टर साहब जी इसी के साथ विद्यार्थियों एक अल्प विराम का समय है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद इस चर्चा को प्रारंभ रखेंगे स्वयं प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वागदा चैनल अब टी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार इस टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस पर, टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी व्यापी पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा वन्ये प्रकाशित करने रहो को आलोकित करने एक बार फिर आपका स्वागत है चर्चा को जारी रखने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना कि आपके 508, 509, 510 कोड नंबर का जो डेट शीट है वो घोषित हो चुका है 508 कोड नंबर का पेपर 15 मार्च दो बजकर तीस मिनट से पाँच बजकर तीस मिनट तक 509 और 510 का पेपर जो है वो 16 मार्च को दो बजकर तीस मिनट से पाँच बजकर तीस मिनट तक होगा विद्यार्थियों हो, जैसा कि चर्चा में हम आप लोगों के साथ सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की बातें कर रहे थे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में जैसा कि सर के साथ भी डिस्कस हुआ और प्रारंभ से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनके आधार पर जो कन्फ्यूजन है जो एक यूँ कहें कि डिस्कशन है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पाठकों में तो मुख्य रूप से बहुत सारे यदि हम देखें उसके क्षेत्र के आधार पर उसकी प्रकृति के आधार पर उसकी जटिलता के आधार पर या यूँ कहें कि उसके जो घटक हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों अपने आप में विषय जो हैं वो एकीकृत तो हैं ही लेकिन दोनों का जो एक अंतर है बेसिक अंतर है उसको हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले तो हमें संक्षेप में यदि मैं कहूँ सर कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सिस्टमेटिक या कहे तथ्यात्मक या वैज्ञानिक तथ्यों के साथ या स्टेप बाय स्टेप जिन तत्वों को ए, उन तत्वों को लेकर के चलता है तो कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान है और पूरे टोटल समाज का या यूँ कहें कि कोई तथ्य कौन सा आगे कौन सा पीछे या ये कौन से कि क्या साइंस है ये सामाजिक विज्ञान का विषय है लेकिन वो प्रैक्टिकल फील्ड में या व्यवहारिक रूप में कैसे काम करता है मैं समझता हूँ वो सामाजिक अध्ययन का, का विषय है तो विद्यार्थियों ये बेसिक अंतर हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों अपने आप में अलग विषय हैं तो स्कूल लेवल पे जो विद्यालय स्तर पे जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता सामान्यतः वो सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में हम छात्रों को पढ़ाते हैं लेकिन जैसे ही हम टीचिंग की बात करते हैं जैसे डीएलएड के हमारे हमारे विद्यार्थी हैं वो आज ये कोर्स करके टीचर बनेंगे तो उनके लिए सामाजिक अध्ययन तो ठीक है विद्यार्थी के स्तर पर पढ़ना है लेकिन जैसे ही उनका चिंतन स्तर बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण उनके मस्तिष्क में या चिंतन में आना चाहिए इस बारे में आप हमारे विद्यार्थियों कुछ कहना चाहें देखिए जहाँ तक सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं तो पहले भी, भी इसकी चर्चा हुई है आपने भी बताया था कि सामाजिक विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बहुत पुराना है आज नया नहीं है और ये अप्रत्यक्ष रूप से चला रहा था परोक्ष रूप से जब ये आया अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो मैं समझता हूँ करीब एटीन सेंचुरी में ये सामाजिक अध्ययन विषय से हम लोग परिचित हुए जी प्रत्यक्ष रूप से जी अप्रत्यक्ष रूप से तो पहले भी पढ़ते हैं अलग औपचारिक घोषणा जो हुई इस शब्द की इस अध्ययन की और ये सत्रहवीं में भी था अठारहवीं भी था उन्नीसवीं बीसवीं सदी जो रही है पीछे ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है हॉलिस्टिक चेंज कह सकते हैं इसको हम जब भी देखिए चाहे तो किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन हो नई चीज़ को आपको इंट्रोड्यूस करना है ये चीज़ें तभी आती हैं जब उनका क्षेत्र व्यापक हो जाता है बढ़ जाता है तो व्यापक होने से जब जटिलता बढ़ती है तो हम उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं आपने देखा होगा पहले गुरुकुल पद्धतियाँ होती थी एक ही गुरुकुल के अंदर कोई क्लास नहीं होती थी सभी विद्यार्थी एक जगह बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे लेकिन जब शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो उसमें आप देखते हैं कि अलग अलग क्लासेस बनाई गई कॉलेज के स्तर भी बनाए गए विश्वविद्यालय हैं कॉलेज हैं प्राइमरी लेवल है और दूसरे सेकेंडरी लेवल्स हैं उसमें अभी क्लास बनती हैं फिर उनके सेक्शंस होते हैं ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसका क्षेत्र व्यापक होता चला जाता है जब सामाजिक अध्ययन प्रयोग में लाया गया यानी व्यवहार में आया ये विषय तो और 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के अंदर रिवोल्यूशन हुए जी आप देखेंगे हमारी दो वर्ल्ड वार हुए हैं जी और वर्ल्ड वार को अगर आप देखें वो एक बहुत बड़ी सामाजिक घटना है जी वो घटना का अगर परोक्ष रूप से अगर आप देखें वो एक सामाजिक अध्ययन का विषय है साथ साथ सामाजिक विज्ञान का विषय भी, भी है जी तो इस तरह की बहुत सारी घटनाओं ने अब जर्मन की क्रांति आप सब जानते हैं सब बच्चे भी इससे भली भांति परिचित हैं जब इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं तो उनका दायरा बढ़ता है और उनसे बहुत सारे परिणाम निकल के आते हैं जो मानव समाज के लिए अच्छे भी होते हैं और उनके लिए घातक भी होते हैं जी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब अध्ययन किया जाता है तो सामाजिक कोई भी अध्ययन हो उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है ऐसे ही सामाजिक अध्ययन का इन घटनाओं से इतिहास को देखते हुए सारी इतनी व्यापकता बढ़ गई कि इस पहले आपने देखा ये जो हमारा विषय था ये विश्वविद्यालय लेवल पर था कॉलेज लेवल पर था फिर ये माध्यमिक स्तर पर भी आया प्राइमरी स्तर पर भी हमारा आ चुका है सामाजिक अध्ययन अलग रूप से पढ़ाते हैं उसको हम और सबसे पहले आपको समाज में बड़ी घटनाएं जो इन अध्ययन को रूप देती हैं ये मैंने आपको दो बड़ी घटनाएं बताई जी दूसरा औद्योगिकरण आप देख रहे हैं जी औद्योगिकरण से बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ अच्छी चीज़ों को भी जन्म मिला हमारा जो स्तर है भौतिक उसमें वो बढ़ा है कुछ चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी हैं उसका भी सामाजिक व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया है उससे हमारा खान पान भी बदल गया है हमारी संस्कृति बदल गई है रहने का स्तर भी बदला है हमारा ये सारी चीज़ें प्रोक्षों में समाज में देखने को मिलती हैं तो ये हमारे अध्ययन का विषय और व्यापकता बढ़ गई है तो डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी सामाजिक अध्ययन का जो विषय वस्तु रहा है जो संबंध समय के साथ अगर इसको हम देखें तो मेन रूप से ये उन्नीसवीं और बीसवीं सदी है उससे पहले ये सामाज, सामाजिक विज्ञान था सामाजिक अध्ययन हमारा नहीं था जी और अब इस सदी में तो आप देख रहे हैं कि नए नए परिवर्तन हैं और परिवर्तन जब समाज में आते हैं तो यही हम आपको सामने दिखाई देते हैं तो यही एक सामाजिक अध्ययन का बड़ा विषय है हमारा मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के इतिहास को यदि हम देखें जी तो उसको दो आधार पे हम अपने विद्यार्थियों के साथ बांट सकते हैं दो आधार पे उनको बता सकते हैं कि एक तो दृष्टिकोण है पाश्चात्य बाहर के लोगों जैसे आपने विश्व युद्ध की बात की दो विश्व युद्ध हुए तो हम कह सकते हैं कि एक तो यूरोप यो कहें पाश्चात्य दृष्टिकोण है, है। वहां पर सामाजिक विज्ञान का इतिहास क्या रहा जी और एक दृष्टिकोण हमारे यहाँ का जैसे आप लोगों ने गुरु गुरुकुल की आपने बात की तो मैं अपने विद्यार्थियों से चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे उसमें भी दो पार्ट हम कर सकते हैं एक आधुनिक और एक आधुनिक से पहले का तो जैसे कि आपने बताया सत्तरवीं और अठारहवीं शताब्दी में पहले तो सामाजिक विज्ञान ही चलता था और या यही कहें फिलोसॉफी में ये शामिल रहा हो सब्जेक्ट विषयों में तो वहां पर जैसे प्लेटो और सुकरात की हम बात करते हैं तो उन लोगों के आने के बाद उन्होंने राजनीति के बारे में बहुत लिखा सोसाइटी के बारे में बहुत लिखा रिपब्लिक एक ग्रंथ बड़ा हाँ, आप, हमारा प्लेटो का जो मशहूर है तो उन्होंने सत्तरवीं और अठारवी शताब्दी में समाज की जो परिभाषा है या सामाजिक विज्ञान का इतिहास वहाँ से प्रारंभ होता है जी तो वो वाली घटनाएं जब समाज के सोसाइटी के साथ जो हिस्ट्री यदि हम पढ़ें जैसे कि आपने कहा भी औद्योगिक क्रांति हुई उससे आप देखें कि विश्व युद्ध दोनों हुए तो उसका जैसे सोसाइटी पे जो असर आया उस असर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक अध्ययन में अपने आप क्योंकि समाज पे असर है उसका तो समाज पे उसका बहुत बड़ा असर है तो जहाँ तक सुकरात प्लेटो और और इन लोगों की बात है तो उन लोगों ने समाज के साथ जो वो जानते थे तो अपने जितने भी उनका ज्ञान था तो समाज के साथ उन्होंने डिस्कशन मेथड से या क्वेश्चनिंग के मेथड से उन समाज के प्रश्नों का उत्तर दिया और वो समाज उन चीज़ों को स्वीकार करने लगा उसके बाद यदि हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं हमारी पाश्चात्य दृष्टिकोण से ही जैसे यूनेस्को है यूनिसेफ है जैसे एसएसए का बहुत सारा या यूँ कहें दूसरे देशों में भी बच्चों के लिए हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू एच है तो वो बहुत सारा स्वास्थ्य के लिए है शिक्षा के लिए है तो सोसाइटी कैसे काम करती है और समाज का कहीं कोई पूरे ब्रह्मांड में तो उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का सोसाइटी के लिए कौन क्या कर सकता है तो ये उनके प्रयास हैं वो लगातार करते रहते हैं तो सामाजिक विज्ञान के इतिहास में इनका बड़ा रोल रहेगा और है अभी भी आधुनिक में भी एक और मैं अपने विद्यार्थियों से मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूँगा 1996 में एक डेलर्स कमीशन की बात है हमारे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बहुत बार और सोशल साइंस में भी हम चर्चा करते हैं बच्चों से तो उसकी ये ड्यूटी लगाई गई है यूँ कहें उसके एक ऑब्जेक्टिव थे कमीशन के तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है उसके चार पिलर हैं मेन रूप से मुख्य रूप से उन्होंने सबसे पहले एक पिलर बताया लर्निंग टू बी जी सेकेंड लर्निंग टू नो पे बात की उन्होंने और एक बताया उन्होंने लर्निंग टू डू और लास्ट वाला बड़ा महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उसमें उन्होंने लास्ट वाला बताया कि सामाजिक सॉरी लाइव टू Uh, क्या लर्निंग टू लाइव टुगेदर की साथ रहने के लिए सीखना तो शिक्षा के जो उन्होंने पिलर बताए तो उसमें कहा कि बनने के लिए सीखना है जानने के लिए सीखना है करने के लिए सीखना है तो ये सारी सोसाइटी की बातें लेकिन लास्ट वाली जो पिलर उन्होंने बताया वो टोटल कह सकते हैं कि वो पाश्चात्य दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो उसमें वो कहता है कि लर्निंग टू लाइव टुगेदर जो हमारा अधिगम है वो साथ रहने के लिए सीखना है तो जैसे युद्ध की बात की तो उसके बाद बहुत सारी ये बातें बहुत सारे देशों में आपस में भी ये बातें कि कौन किसके साथ है ये कंसेप्ट निकल कर के आया होगा तो वो सारा सोसाइटी पे उसका फिर पूरे देश पे असर आया तो वहाँ से उन्होंने शायद मैं समझता हूँ कि ये कमी नज़र आई होगी उन्होंने शोध किया हो या स्वाध्याय किया होगा अध्ययन किया होगा तो एक बड़े मुख्य रूप से डेलर कमीशन की जो बात है उसको हम चर्चा अपने विद्यार्थियों से ज़रूर करना चाहेंगे कि वो कहता है लाइव टुगेदर की साथ रहने के लिए सीखना इसका मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है जो शिक्षा है वो हमें साथ रहने की शिक्षा नहीं देती है कहीं ना कहीं किसी स्तर पर बांटती है तो ये शायद सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो इसको बैलेंस कर सकता है वो इसको क्या कहें कि समायोजित करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि या यूँ कहें कि साथ रहने के लिए ऐसी शिक्षा दें हमारे यहाँ तो शुरू से ही वसुदेव कुटुम्बगम की भावना जो चलती थी कि पूरा पृथ्वी अपना परिवार है लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन वाली बात अब इन कमीशन के बाद या इन संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं काम करती हैं उनके बाद ये चर्चा और ये कंसेप्ट एक प्रकार का सामाजिक अध्ययन में हमारे आया है कि हमें सबसे पहले जो शिक्षा है वो प्राप्त तो करें लेकिन जानते क्या हैं ये भी मायने रखता है और जानने के बाद कि आपने मान लो फिर आप करते क्या हैं स्किल आपके पास क्या है क्यों क्योंकि पढ़ेगा तो विद्यार्थी कल जब मूर्त रूप में दिखाई देगा अनस्किल्ड यदि पर्सन है तो वो अंत तो गत्वा सोसाइटी को ही नुकसान करता है तो वहाँ से फिर सामाजिक अध्ययन जब हम करना प्रारंभ करें तो ये देखेंगे कि ये जो तीनों पिलर वैसे तो चारों आप कह सकते हैं मिल मिले हुए हैं लेकिन लास्ट वाला लाइव टुगेदर तो आपको कहीं लगता है कि हमारी शिक्षा में ये कमी रही है कि साथ रहने के लिए सीखने की भी आवश्यकता इस प्रकार की पड़ेगी तो उसे जैसा थिंकर अगर इस बात को कहता है तो इसमें तो कोई सबकी गुंजाइश ही नहीं है कि ये शिक्षा प्रणाली में हमारी में कमी रही है और जैसा आपने कहा कि हमारा जो अपना दर्शन है आप दर्शन के बारे में तो डॉक्टर साहब आप कहीं जगह अच्छा जानते हैं जो पद्धति है हमारी लिविंग जो रह वो हमारा दर्शन हमें सिखाता है और पाश्चात का जो दर्शन है उसका एक अलग अपना नज़रिया है डेलर्स ने जो फोर्थ जो पिलर आपने बताया साथ रहने वाला वो निश्चित तौर से हमारे दर्शन से मैच करता है जहाँ तक लिविंग सोसाइटी की बात है पहले जितने भी मैं समझता हूँ जो स्कूल लेवल पर बच्चों के सब के संज्ञान में रहोंगे जैसे हुए इंसान हुए फाइन हुए यात्री आए उन्होंने हमारे दर्शन को देखा हमारी संस्कृति को देखा और देखने के बाद में उनकी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी इसी बात को शो करती हैं तो इसमें डॉक्टर साहब निश्चित तौर से यह है कि शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं कमी रही है जो इनको फोर्थ पिलर जो आपने कहा है का आ, लर्निंग टू लाइव के साथ रहने के लिए सीखने की भी शिक्षा हमें बच्चों को छात्रों को देनी देनी चाहिए हाँ ये कंसेप्ट है भी मैंने कहीं सुना भी है मैं अपने विद्यार्थियों से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इस संसार में ज़्यादातर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैंने किसी से अच्छे थिंकर से सुना था नाम मैं उसका उनका नहीं लेना चाहूँगा तो कवि हैं एक अच्छे वक्ता हैं तो उन्होंने कहा कि आप सोसाइटी में जाइए और सोसाइटी में आप देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो शिक्षा के द्वारा उत्पन्न की गई हैं तो शिक्षा शिक्षित व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या शिक्षित व्यक्ति उसके रास्ते ढूंढता है कि कैसे चीज़ों को मोल्ड किया जाए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यदि सामाजिक रूप से उसको देखें हम लर्निंग टाइव लाइव टुगेदर के संदर्भ में भी हम देखें तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि शिक्षित तो हो गए हम एजुकेटेड हो गए लेकिन लर्निंग नहीं हुई हमारी तो उन्होंने <coughs> बड़ी बात कही कि आप अधिगम रखिए सीखिए यदि आप सीखेंगे तो सीखा क्या है आपने ये मायने रखता है शिक्षित आपने कितनी बड़ी डिग्री आपने ले ली है लेकिन डिग्री लेने के बाद आपके व्यवहार में वो अमूलचुल जो परिवर्तन की हम बात ये, करते ये, हैं तो वो परिवर्तन यदि विद्यार्थी का नहीं आया तो हमारा जो कंसेप्ट है साथ रहने के लिए सीखना सिखाना वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो समाप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूँ डेलर्स कमीशन ने ये मुख्य रूप से ये बात इसीलिए कही होगी कि शायद कि लर्निंग की उसमें अभाव है हमारे शिक्षा व्यवस्था में तो ये पाश्चात्य दृष्टिकोण है लेकिन हम यदि भारतीय उसके अभी देखें तो भारत के जो हमारे यहाँ की जो पद्धति है उनका जो इतिहास है उसको भी हम दो तरह से बांट सकते हैं एक आधुनिक और एक आधुनिक से पहले का तो आधुनिक से पहले का यदि मॉडर्न से पहले हम सामान्यतः स्वतंत्रता से पहले वाले को हम प्राचीन में लेते हैं और या यूँ कहें पूर्व के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो पूर्व के इतिहास में भी यदि हमारे भारतीय संदर्भ में देखें कि जब हमारे यहाँ हंटर कमीशन की बात करो सेटलर कमीशन की बात करें सर्जेंट कमीशन की बात करें वहाँ पर ये जो सामाजिक सिस्टम की बात है तो सामाजिक विज्ञान से तो उसको जोड़ करके उन्होंने देखा है लेकिन सामाजिक अध्ययन सामाजिक व्यवहार की यदि बात करें जैसे कि आपने बताया उन्नीसवीं शताब्दी में ये कंसेप्ट ज़्यादा निखर के सामने आया प्रेगमेट के बाद बिल्कुल प्रयोजनवादी जैसे जैसे उपयोगितावादी शिक्षा का बात हुई तो उपयोगी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो तब वहाँ से ये कंसेप्ट आया और हमारे यहाँ पर ये प्रारंभ से ही इन चीज़ों पे काम होता रहा है और भारत में भी जो हमारे यहाँ जैसे अभी लर्निंग टू टु लाइव टुगेदर की बात फोर्थ फिलर की बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में आप देखें वैदिक सिस्टम जो है बुद्धिस्ट वाला सिस्टम जो है यह यूँ कहें कि मुस्लिम वाला है और ब्रिटिश का चार पार्ट में यदि हम देखें तो उन सब में सामाजिकता का जो पार्ट है जैसे अलग अलग स्टेज आपने बताया कि स्कूल प्रारंभ हुए स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी में चले गए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज स्टार्ट कर दिए यूनिवर्सिटी हो गई लेकिन हमारे इतिहास में यदि हम देखें कि जब शिक्षा पद्धति है जो हमारी वो वैदिक कालीन उसमें गुरुकुल की जैसे आपने चर्चा की तो उसमें दो ही लेवल या दो स्तर पर शिक्षा होती थी एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती थी और एक उच्च स्तर पर शिक्षा दी जाती थी और वो दोनों विद्यार्थी वहीं हैं जी छोटा भी और बड़ा भी और वहाँ पर तो शायद बौद्ध काल में और मुस्लिम काल तक भी मॉनिटर प्रणाली चलती रही तो वो सामाजिकता के आधार पर वो पढ़ रहे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो बड़ा विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी को पढ़ाता है तो जो पढ़ने का जो तरीका है वो भी और जो सामाजिक सिस्टम है वो भी <coughs> तो जो अपने से बड़े का मान सम्मान करना और सोसाइटी में कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ तो वैदिक कालीन शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा जो आप समय यदि हम इनका देखें कि 2500 ईसा पूर्व से पहले की बात है पांच ईसा पूर्व तक का उसका समय हम देखते हैं बौद्धकालीन जो शिक्षा मठ और बिहार में वहां भी दो ही प्रकार की शिक्षा है प्राथमिक स्तर पे है और उच्च स्तर, स्तर पे है और ऐसे ही अपने मुस्लिम काल में भी दो ही प्रकार के जहां तक हम मैंने पढ़ा है मकतबे और मदरसे जी आपने चर्चा की तो मकतब में जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते हैं तो जो सोसाइटी है उसकी जिसकी हम बात करें कि विद्यालय समाज का लघु दर्पण है तो उस विद्यालय में दिखाई देता है कि कैसे जैसे समाज के संदर्भ में महिलाओं की शिक्षा में गिरावट जैसे वैद, उत्तर वैदिक काल के बाद आने स्टार्ट हुई और ये शिक्षा का काम है और यदि सामाजिक अध्ययन उस समय विषय होता अलग से तो वो विषय इस सामाजिक समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता था और इसलिए अब सॉरी उसके लिए भी अब जैसे अब ये विषय है तो अब बहुत सारी समस्याओं को उजागर करता है और उसकी चर्चा करता है तो मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें हमारे वेद हैं वैदिकालीन सिस्टम बौद्धकालीन सिस्टम के साथ साथ हमारी जो उनके ग्रंथ चलते आए वेदों में तो मूल ग्रंथ हैं ही वो जैसे मानते हैं विद्वान लोग उपनिषद हैं उपनिषद में हर बात हमें सामाजिक अध्ययन के हिसाब से बताई जहाँ तक मुझे एक उपनिषद का सेंटेंस एक याद आता है उसमें एक मंत्र आता है कि यथ किंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता मागृद कश्य सुधनम समाज की बहुत बड़ी बात उसमें एक उपनिषद वाक्य में उन्होंने शामिल कर दी कि ईशावाश्यम इदम सर्वम कि ये जो सब कुछ है ये सारा का सारा बनाया हुआ उस सर्वशक्तिमान का है कोई भी एक शक्ति आप उसे अल्लाह कहें भगवान कहें ईश्वर कहें वो एक अलग कंसेप्ट है लेकिन उसका है ये कंसेप्ट बच्चे के छात्रों के सामाजिक अध्ययन में शामिल था और ये पढ़ाया जाता था यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण इस पर डालें तो इसमें पता लगेगा कि वो बता रहा कि किसी के धन की तरफ आपको गृद दृष्टि नहीं देनी गृद दृष्टि से अभिप्राय मतलब कि आप लालच की दृष्टि से की ना देखें से। और उसको आप अपना ना समझें दूसरे तो अब जैसे डेलर्स कमीशन की बात करते हैं लर्निंग टू बी लर्निंग टू नो लर्निंग टू लाइव टूगैदर और फोर्थ फिलर में भी जैसे बात कर वो बता रहा है कि आप इस दृष्टिकोण से चलिए कि आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं समाज के लिए क्या करना चाहते हो तो समाज उस बात को लेकर के चलता है तो उसमें पढ़ाया जाता है तो हमारे वेदों में उपनिषद में मुख्य रूप से और हिस्ट्री में आप देखेंगे स्मृतियाँ हैं स्मृतियों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं उनमें जैसे आप याग्वल के एक स्मृति जहाँ तक मुझे याद है उसमें आता है और बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे व्याख्या मनुस्मृति जैसे आता है तो उसमें कई बार जैसे क्या होता है कि हमारा जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो अलग हो जाता है तो उसमें यदि हम देखें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो वो क्लास यदि करता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सोसाइटी के हिसाब से आज भी यदि हम बात करते हैं क्लास ए ऑफिसर क्लास बी ऑफिसर क्लास सी ऑफिसर और क्लास डी ऑफिसर चार ही कैटेगरी हैं यदि हम अपने बच्चों को छात्रों को उस दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन दृष्टिकोण से पढ़ाएं तो उस समय में भी उसकी एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इतिहास में कहीं सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा नहीं गया तो उसमें यदि हम देखें कि जो पढ़ने लिखने का काम करता है जातिगत जो व्यवस्था वो अलग है मामला लेकिन जो पढ़ने लिखने का काम करता है वो ब्राह्मण है चाहे वो किसी भी जाति का हो इसलिए हमारे यहाँ आज के सिस्टम में आधुनिक सिस्टम में भी यदि हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक क्लास ऑफिसर आपका जो पढ़ा लिखा ऑफिस विद्यार्थी व्यक्ति होगा और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा उसको हम वो गद्दी देंगे चाहे किसी भी जाति का हो तो हम कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है उस दृष्टिकोण से आप या हम उसे किसी दूसरे दृष्टिकोण से ना देखें तो स्मृतियों में भी ऐसा नहीं है क्षत्रिय है वैश्य है सैनिक का यदि आप काम कर सकते हैं तो वो क्षत्रिय का काम करता है वो सामाजिक दृष्टिकोण है कि आप सेवा का काम करिए व्यवहारिक पक्ष है उसका और यदि आप उसके वैश्य की बात करते हैं तो आप व्यापार का काम कर लीजिए पालन पोषण का काम कर लीजिए और यदि आपसे तीनों काम में से कोई भी काम यदि नहीं बनता है तो आप इन तीनों वर्गों के साथ लग जाइए ऐसा नहीं कि उसको हीन समझा गया हीन नहीं है वो उसकी एक कैटेगरी है जैसे डी क्लास ऑफिस मान लो है हमारे यहाँ ग्रुप डी है तो ग्रुप डी है तो सेवा का काम ही है क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो काम उसके बस का नहीं है पढ़ नहीं सकता है फिलोसॉफी तो वो समाज को नहीं दे सकता तो ऐसे ही इतिहास रहा है पूरा तो उसको देखें पुराणों में भी इस प्रकार की चर्चा की गई और उसमें तो पूरा पुराण में तो हमारा है ही सामाजिक ताना बाना पूरे जो संस्कार पढ़ाए जाते <स्थ> हैं नीचे चले गए तो रामायण में भी महाभारत पंचतंत्र है बौद्ध ग्रंथ हैं तीनों उनके जो सूत पिटक विनय पिटक और अभिदम पिटक की आप चर्चा करें तो देखें जैन ग्रंथों में भी यही है उनमें चरित्र के बारे में त्रिरत्न जो बताया गया इस्लामिक ग्रंथ है तो ग्रंथों में जितनी भी बातें बताई गई वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बताई गई हैं तो विद्यार्थियों इस चर्चा को जारी रखेंगे अभी एक अल्प विराम का समय है अभी एक अल्प विराम लेंगे स्वयं डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस धय में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32 शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर टीवी आरोप आरोप पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारत वर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा

परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर थो आपका एक बार फिर आज की परिचर्चा में स्वागत है परिचर्चा को जारी रखने से पहले मैं आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दूं। आप लोगों के 508, 509, 510 कोड नंबर की डेट शीट आ गई है उनका पेपर आपका 15 और 16 मार्च को होगा दो बजकर तीस मिनट से पाँच बजकर तीस मिनट तक 508 कोड नंबर का पेपर है आपका पंद्रह मार्च फ्राइडे और 509 और 510 का जो पेपर है आपका 16 मार्च सैटरडे को ढाई बजे से लेकर के साढ़े पाँच बजे तक विद्यार्थियों ब्रेक पर जाने से पहले हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि कैसे सामाजिक अध्ययन विषय का इतिहास रहा है कैसे पाश्चात्य दृष्टिकोण से कैसे उसका सामाजिक अध्ययन विकसित हुआ सोलहवीं शताब्दी और से प्रारंभ होकर के 17वीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी से आधुनिक जो उसने एक यात्रा अपने तय की है तो ये दो दृष्टिकोण मुख्य रूप से हमारे एजुकेशन सिस्टम में या यूँ कहें इतिहास एजुकेशनल हिस्ट्री में ये बताए जाते हैं ताकि एक अध्यापक ये देख सके कि ये जो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का जो विषय है ये कैसे एक यात्रा से होकर के आज यहाँ तक पहुँचा है और कौन कौन सी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कैसे उसकी प्रकृति है कैसा उसका इतिहास रहा है और कौन कौन से घटक ऐसे हैं जो उसमें शामिल है जिससे कि ये पता चले कि एक सामाजिक अध्ययन एक अपने आप में एक विषय है उस विषय को हम ऐतिहासिक रूप से जब आप लोगों से चर्चा कर रहे थे तो उसमें पाश्चात्य दृष्टिकोण के बाद हम भारतीय दृष्टिकोण की आप लोगों से चर्चा कर रहे थे तो भारतीय दृष्टिकोण में वेद उपनिषद और पुराण बौद्ध ग्रंथ जैन और मुस्लिम ग्रंथ सॉरी इस्लामिक ग्रंथों की हम बात कर रहे थे आप लोगों से कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं हमारे भारतीय दर्शन में या इंडियन फिलोसॉफ़ी में या इंडियन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं रहा कि जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षा ना देता हो हर एक प्रत्येक ग्रंथ अपने आप में वो हमें शिक्षा देता है कि समाज को हम इग्नोर नहीं कर सकते सामाजिक विशेषताओं को हमें अपने शिक्षा में शामिल करना होगा उसी कड़ी में मैं आप लोगों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म और इस्लाम धर्म के ग्रंथों की बात कर रहा था तो सर मैंने जैसे चर्चा की कि बौद्ध धर्म में तीन ग्रंथों की जैसे बात करते हैं सूत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक उसके बाद त्रिरत्न की बात जैसे जैन दर्शन में करते हैं तो जैन दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है तो उसमें मैंने ए, एक अणुव्रत और ए, उसकी भी बात की तो मैं समझता हूँ जैसे शौच है संतोष तप और स्वाध्याय की वो बात कर रहे हैं तो वो सारी की सारी बातें जो नियम उन्होंने बताए हैं तो वो मैं समझता हूँ उससे डायरेक्ट समाज से कनेक्ट करते हैं और सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए हैं तो जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम रहा प्राचीन काल में चाहे वो मुस्लिम काल में हो बौद्ध काल में हो या यूँ कहें कि वैदिक वैदिक सिस्टम की बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं आप लोग अपने विद्यार्थियों से चर्चा करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो डायरेक्ट सामाजिक अध्ययन या सामाजिक व्यवहार से हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने छुआ है और आप तो क्योंकि खुद गोकुल पद्धति के पड़े हुए हैं इसलिए आप भली बात जानते हैं मैं बच्चों को बताना आपने देखा होगा हमारे जैसे महाभारत है रामायण है श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारे सीरियल हमारे दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर आते रहे और उनमें शिक्षा के जो केंद्र होते थे वो गुरुकुल्स होते थे आपने भी डॉक्टर साहब देखे होंगे वो होते थे उसमें आप देखें शिक्षा का जो व्यवहार पक्ष है शिक्षा नहीं बल्कि समाज का व्यवहार पक्ष जैसे आपको मेहनत कैसे करनी है आपको अर्जन करने के लिए धनोपार्जन के लिए जीविका चलाने के लिए आपको किन किन उनसे दौरों से गुजरना पड़ता है किन किन चीज़ों का सामना करता है जिन जीवन की कितनी मुश्किलें होती हैं इन सब को पढ़ाया भी जाता था और सिखाया भी जाता था हमारे यहाँ अब उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो अब जैसे हमारे आजकल बड़े चर्चा में भी है और हमारे पूर्णकाल में सबसे भगवान प्रभु राम का जो देखते हैं तो कहते हैं कि उनको वनवास दिया गया और उनकी शिक्षा का जब पक्ष अगर आप देखेंगे जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे अब जैसे एक बड़ा दृष्ट है ये क्या नाम है इसका हमारे सुदामा कृष्ण और सुदामा का उनको क्या आवश्यकता थी वन में जाने की या भगवान राम को क्या आवश्यकता थी गुरुकुल में सबके साथ आप पाल कटवा रहे हैं चोटी गंथन कर रहे हैं आप एक साधारण सी धोती पहन करके और वन में नंगे पैर आप जाते हैं शिक्षा के लिए लकड़ी काटने के लिए आपको जाना पड़ रहा है वन में डॉक्टर साहब ये सीधा सीधा हमारे समाज का व्यवहारिक पक्ष है जिसे हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है तो आप ये देखिए कि इतने समय पहले जब मैं समझता हूँ शायद बाकी दुनिया में एक शिक्षा का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय भी हमारे यहाँ व्यवहारिक पक्ष पढ़ाया भी जाता था और प्रैक्टिकल तौर पर सिखाया भी जाता था अब एक दृष्टान्त आता है कि वो लकड़ी चुगने के लिए गए तो हमारे सुदामा जी जो थे उनको भूख लगी उन्होंने कृष्ण के हिस्से के चावल खा लिए देखिए चावल खाना ये बहुत बड़ी घटना नहीं है लेकिन व्यक्ति के समाज में व्यवहारिक पक्ष को ये दिखाती है कि किस तरह से किन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं क्या क्या मुश्किलें आती हैं वहाँ जंगली जानवर भी होते थे उनसे आप कैसे बचाव करेंगे आपको लकड़ी काटने में कितना कष्ट होता है ये भी आपको एहसास होना चाहिए एक और जितनी भी पद्धतियाँ थी हमारी सब में व्यवहार पक्ष हमारे सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर हावी होता था तो डॉक्टर साहब आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बदल चुकी हैं मैं देखता हूँ कि व्यवहारिक पक्ष बिल्कुल हट चुका है अब कोई भी व्यक्ति जितने से जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं नाम लेना तो उचित नहीं है आप देखेंगे उनके बच्चे पढ़ने के बाद में मेंटली तो मैच्योर हो जाते हैं लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष शून्य होता है उसका कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है मैं ये मानता हूँ मेरा व्यक्तिगत मत है ये जी और आधुनिक शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे समाज के जो वर्तमान स्थिति है उसमें इतने सारे घटक पैदा हो चुके हैं जिनके समाज के ऊपर इतने गलत प्रभाव पड़े हैं दुष्प्रभाव भी हैं जिनके जिनसे हमारा जो सामाजिक दायरा है अध्ययन का वो बहुत बड़ा बढ़ चुका है डॉक्टर साहब जी कह सकते हैं कि वो नए तत्व तो शामिल हैं जी हो कहें कि परिभाषा अपने आप में वर्तमान जो सामाजिक की वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जी, जो जी, कंसेप्ट है या विशेषताएं हैं वो बदल चुके हैं जी तो वो पहले जो आ, मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि पहले जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षा जैसे कि सर ने भी कहा कि वो शिक्षा के साथ साथ चलते थे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसी में ही कुछ ऐसी आ, मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से शामिल कर दी जाती थी अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे व्यावहारिक पक्ष में ही शामिल कर देते थे कि हमें सामाजिक अध्ययन सीखना कहाँ से है लेकिन अब जैसे ही हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आधुनिक काल में यदि हम बात करें वर्तमान स्थिति की बात करें तो उसमें दस, बीस जो हैं। यही करें कि दस तत्व या शब्द कुछ ऐसे आ गए हैं जिसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन समाज का यदि हम अध्ययन करें तो उन शब्दों के बिना या उन विशेषताओं के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं मुख्य रूप से यदि हम देखें सबसे पहले जैसे आपने प्रारंभ में एक बात की कि अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण आया समाज का जो सिस्टम है उद्योग का जो कंसेप्ट है ये जो अब अठारहवीं और १९वीं उन्नीसवीं शताब्दी में जाकर के धीरे धीरे चेंज हुआ ये तो ये जो एक शब्द है अपने आप में तो ये जो नए शब्द हमारे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आ गए हैं तो उनको मैं एक बार बच्चों से चर्चा करना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों से कि नंबर एक औद्योगिकीकरण नंबर दो शहरीकरण जी जो नया जो कंसेप्ट है अब जैसे कि पहले इतिहास की यदि हम बात करें तो वो गांव शब्द एक ग्रा ग्राम शब्द आता था जी जी सोसाइटी का कि हमारा पूरा जो भारतवर्ष है या यूँ कहें कि जो विश्व है वो किस में बसता है गांवों में बसता है लेकिन अब इसके विपरीत एकदम कंसेप्ट एक चेंज हो गया है वो औद्योगिकीकरण जैसे जैसे बढ़ा तो उसके साथ साथ शहरीकरण एक शब्द नया निकल करके आया और शहर बढ़ रहे हैं गाँव के बजाय तो ये भी एक हमारे समाज का सोसाइटी के अध्ययन का विषय है सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट है अपने <laughs> तो औद्योगिकीकरण फिर एक एक पर चर्चा कर लेंगे सेकंड हमारा शहरीकरण एक भूमंडलीकरण जिसकी मैंने आपसे पहले भी चर्चा की निजीकरण एक नया कंसेप्ट जो आधुनिक शिक्षा में जो समाज में आया है निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जिसको ऑटोनोमस जिसको आप कह सकते हैं और एक बड़ा मुख्य जो बिंदु है समानता है बंधुत्व है स्वतंत्रता है न्याय है वैज्ञानिकता है बेरोजगारी भेरो, है गरीबी है और मुख्य रूप से एक नया जो शब्द जनसंख्या विस्फोट पूरे विश्व के सामने <laughs> सामाजिक अध्ययन के विषय में यदि हम देखें तो सबसे पहले जिसकी हमने बात की औद्योगिकीकरण जैसे जैसे आया उस औद्योगिकीकरण के साथ साथ शहरीकरण को के कंसेप्ट को बढ़ावा मिला और शहर बढ़ रहे हैं तो एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक अध्ययन विषयों में हमें ये भी बच्चे को पढ़ाना होगा केवल एक गांव की चर्चा ना करें शहर की भी चर्चा करें और शहर की जो विशेषताएं हैं ये शहर के लोगों की भी क्योंकि व्यक्ति तो वही है समाज तो वही है बस वो हमारा भौतिक रूप से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया है और एक भूमंडलीकरण की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि आज टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है और ये हमारी आवश्यकता भी हो गई है वैज्ञानिकता एक शब्द मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि फ़िलोसफी के चार पिलर की बात पहले तीन पिलर की बात करते थे फिलोसफी में तीन उसके मेन के जो एपिस्टमोलॉजी और एक्सियोलॉजी की बात करते थे उसके साथ साथ अब एक लॉजिकल थिंकिंग की भी बात आने तर्क मीमांसा जिसको कहने लगा तो ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा के साथ साथ हमें तर्क मीमांसा भी एक नया शब्द जो है तो वो भूमंडलीकरण की वजह से है कि जैसे ऐसे ऐसे कि हम इतिहास में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे विद्यार्थियों से कि यूनिसेफ और यूनेस्को और इन लोगों ने कैसे सोसाइटी को हेल्प करना स्टार्ट किया है ये भी अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ये भूमंडलीकरण का जो कंसेप्ट है इसकी वजह से ऐसा है वसुदेव कुटुंब की मैं आपसे बात करता कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है तो आज भूमंडलीकरण के दौर में जैसे बहुत बार व्यापार भी जैसे लोगों से हमें बाहर के देशों से करना पड़ता है और ये ये एक्चुअल पोजीशन है वर्तमान स्थिति में औद्योगिकीकरण शहरीकरण भूमंडलीकरण के साथ साथ एक शब्द जैसे मैंने आपसे अभी चर्चा की निजीकरण की बात है निजीकरण मतलब निजीकरण का मतलब ये भी व्यक्तिगत भी है ये मामला सारा सोसाइटी तो है ही है साथ में लेकिन हमें उस व्यक्ति का भी ध्यान रखना है जो मेरी अपनी निजता है या किसी बच्चे की है या किसी सोसाइटी की है या किसी समाज की देश की है तो हमें उसके उसका अपना एक निजी दायरा क्या है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है और एक, तीन चार चीज़ें हमारे संविधान में जैसे मैं आप लोगों आपसे विशेष रूप से, से चाहूँगा कि आप लोग अनुभवी हैं कि बच्चों से चर्चा भी कर लें चार कंसेप्ट मुख्य रूप से जैसे प्रस्तावना में सिद्धांत जो दिए गए हैं समानता बंधुता स्वतंत्रता और न्याय तो इन चार की चर्चा मैं संविधान सम, सम, में हमारे शामिल किए गए हैं तो ये समाज से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि ये समाज को डायरेक्ट रूप से या यूँ कहें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इसकी आवश्यकता भी थी तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आप एक बार हमारे विद्यार्थियों को समानता और बंधुता स्वतंत्रता और न्याय इन चारों पर एक बार चर्चा कर लें डॉक्टर साहब समानता शब्द जितना सुनने में आसान है उतना है नहीं क्योंकि व्यवहारिक पक्ष में समानता लाने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं समानता का जहाँ तक आ, समाज में जो समानता है वो आजकल जो मतलब पैरामीटर्स जिसे हम बोलेंगे आंकड़े जो हैं वो बहुत ही हो चुके हैं समानता हमारी शिक्षा में पहले पढ़ाई जाती थी और सिखाई भी जाती थी अभी जैसे समानता को ही शो करने के लिए हमारा विद्यालय पद्धति में अगर देखें तो गणवेश जो होता था वो इसका एक सिंबल होता था जहाँ पर चक्रवर्ती राजाओं के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर जनसाधारण का भी पढ़ता था गणवेश दोनों का एक होता था उसका सिंबल था समानता उस गणवेश से शिक्षा पद्धति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था फ़र्क पड़ता था समानता पर तो वो समानता कहीं हमारे पीछे छूटती जा रही है आधुनिक परिवेश के अंदर दूसरा जहाँ तक आप बात करते बंधुत्व की भौतिक अभावों में जब हमने देखा जब बहुत इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तकनीकी का भी अभाव था तो बंधुता आपको देखने को मिलती थी जब, क्योंकि उस समय हमारे पास समय भी होता था समाज का जो निर्माण होता है किसी भी चीज़ का आप निर्माण करें उसके लिए समय की आवश्यकता होती है तकनीकी युग ने व्यक्ति के पास समय का अभाव कर दिया है बंधुत्ता पीछे होती जा रही है और भौतिक चीज़ें हमारे इस बंधुत्व तो जो गुण हैं इसके ऊपर हावी होती चली जा रही हैं तो इसका अभाव निश्चित तौर से हमारे समाज में देखने को मिल रहा है तीसरा डॉक्टर साहब आपने बात की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता बड़ा वाइड विषय है और इससे पहले जैसे एक शब्द आता है बल्कि एक डायलॉग बन गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ समय पहले एक मूवमेंट चला था हमारे हिंदुस्तान में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है अब लोगों ने उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने उसको राजनीतिक रूप दे दिया लेकिन स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को कोई परेशानी नहीं होती है और हमारे जो नीति निर्देशक जो कानून बनाए गए हैं संवैधानिक उनका उल्लंघन नहीं होता है बहुत छोटी क्लास में अब तो न मुझे पता नहीं कि वो चैप्टर पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता एक चैप्टर पढ़ाया जाता था तो उसमें एक व्यक्ति स्टिक घुमाता है और वो स्टिक वो कहता है कि मेरे को घुमाने की स्वतंत्रता है मेरे को फ्रीडम है वो दूसरे व्यक्ति की नोज से टकराती है तो व्यक्ति कहता है कि स्वतंत्रता आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नोज स्टार्ट होती है मैं बहुत छोटा था प्राइमरी सेक्शन में रहा हूँगा तब मैंने वो उसको पढ़ा था तो स्वतंत्रता का आशय हमें वहीं तक देखना चाहिए जहां तक दूसरे को व्यवधान नहीं हो रहा है दूसरे को परेशानी नहीं हो रही है हमारे समाज और कानून द्वारा जो नियमों का निर्धारण किया गया है उनका पूरी तरह से पालन हो रहा है चौथा आप कहते न्याय इन तीनों चीजों के आने के बाद में न्याय का निर्धारण होता है समानता के लिए भी न्याय है या समानता अपने आप में एक न्याय है दूसरा आपने कहा बंधुत्व न्याय आप सामाजिक वैसे सामाजिक अध्ययन की हम बात करते हैं तो सामाजिक स्तर पर न्याय हमारे यहाँ पहले से ही पपाटी रही है स्कूलों में ये शुरू से पढ़ाया जाता रहा है हमारे यहाँ कि न्याय सबको मिलना चाहिए न्याय के मापदंड भी हमारे निर्धारित किए गए हैं स्कूल विद्यालय में पहले एक दंड की प्रक्रिया होती थी वो न्याय दिलाने की एक पद्धति थी आज वो विलुप्त होती जा रही है उसके कुछ सही परिणाम भी निकल के आ रहे हैं कुछ गलत भी निकल के आते हैं क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन आता है उसमें दोनों चीज़ें निकलती हैं कुछ सही भी होती हैं कुछ गलत भी होती हैं अब हमारे ऊपर उनका प्रभाव सही है तो हम उनका अनुसरण करते हैं या गलत होता है तो उनको पीछे छोड़ देते हैं डॉक्टर साहब जी जी इसी क्रम में एक शब्द जैसे मैंने विद्यार्थियों से चर्चा की वैज्ञानिकता जी जी तो वैज्ञानिकता जो शब्द है तो ये वर्तमान समाज की जो स्थिति है क्यों क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते नहीं। और उस टेक्नोलॉजी को सामाजिक अध्ययन से जोड़ के यदि हम देखें तो हमें अपने चिंतन स्तर को बढ़ाना होगा और उसको विज्ञान के साथ लेकर के सोसाइटी को चलना होगा तर्क वितर्क करता है क्योंकि जो आज जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो संसाधन है वो जा, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सीखने के तो उसमें ये जो शब्द है वैज्ञानिकता ये हमें सिखाता है कि हम किसी भी तत्व को ऐसे ही नहीं इग्नोर कर सकते उसको हमें ध्यान देना होगा और हम लॉजिक पर तोल के या तर्क पर तोल के कसौटी पर खरा उतार के तब हम उस चीज़ को समाज में शामिल करते हैं और सामाजिक रूप से स्वीकार भी करते हैं जी नेक्स्ट जो एक शब्द है बेरोजगारी बेरोजगारी जो शब्द है ये समाज से जुड़ा हुआ है औद्योगिकीकरण जब से आया एक बड़े रोचक विषय है ये अपने आप में कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा भूमंडलीकरण की बात आई निजीकरण की बात आई लेकिन साथ साथ दूसरी साइड में वो बेरोजगारी भी हमारे समाज से निकल कर के आ रही है तो समाज का यदि हमें अध्ययन करना है तो उद्योग के साथ साथ शहरीकरण के साथ साथ जितने भी संसाधन हैं साइंस ने हमारे जीवन को इतना फास्ट कर दिया है टेक्नोलॉजी ने लेकिन उसके बाद भी यदि बेरोजगारी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं उन विषयों के साथ साथ सामाजिक अध्ययन में इस विषय को भी शामिल करने की आवश्यकता है कहीं कहीं सामाजिक अध्ययन में ये शामिल है तो बेरोजगारी जो शब्द है वो एक नया अपने आप में एक पूरे विश्व के सामने ये समस्या है तो हमें वर्तमान की जो सामाजिक अध्ययन है हमारा उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि उसके साथ ये भी एक शब्द आ गया है और उसके उसको भी हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत कि ऐसा ऐसा क्यों है कि हमें बहुत सारे विज्ञान होने के बाद भी समानता का जैसे आपने चर्चा की न्याय करने के बाद भी स्वतंत्र छोड़ने के बाद भी और समानता ये कि सब समान समझने के एक मुझे बड़ा अच्छा शब्द 64 और 66 का जो हमारा कोठारी कमीशन है उसका याद आता है तो उसका जो सेंटेंस है सबसे पहले समता मूलक समाज की स्थापना करना तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इतिहास की चर्चा हम कर रहे थे तो इसमें यदि मैं विद्यार्थियों से चर्चा करूँ कि ये इसका मतलब हमारे जो आधुनिक के साथ साथ पूर्व आधुनिक के बाद की जो बात हम कर रहे थे तो उसमें हमारे जो कमीशंस हैं उन्होंने भी एजुकेशन में या शिक्षा में इन शब्दों को इन बातों को शामिल किया है तो समानता के साथ साथ समता मूलक जैसे कि आपने कहा कि वो एक समान जो गणवेश की बात करते हैं यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो वो समानता के साथ साथ हमारे भाव में भी आनी चाहिए जैसे कि बताया कि चक्रवर्ती का भी छात्र है और बच्चा है या गरीब का बच्चा है वो दोनों यदि एजुकेशन साथ में पाते हैं तो वो समतामूलक समाज की स्थापना कर सकता है यदि उसमें वर्गीकरण है तो मैं समझता हूँ वहाँ से थोड़ा सा सही नहीं है तो ये जो बेरोजगारी शब्द के बाद जो एक शब्द और है गरीबी तो यहाँ पर वो उन सिद्धांतों की जो बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समानता और बंधुता और न्याय की बात करते हैं तो गरीबी जो है उसमें एक और अपने आप में एक नया शब्द है तो उस वजह से भी हमारे यहाँ की समाज की जो वर्तमान स्थिति है तो सामाजिक अध्ययन में ये भी हमें बताने की आवश्यकता है कि गरीबी जो है वो उस पर भी हम रिसर्च करें या शोध करें यही हो कहें कि सामाजिक अध्ययन उन विषयों की हमारे विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेगी गरीबी क्यों है इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तरक्की करने के बाद भी और इतना इसका सामाजिक अध्ययन विषय का इतना व्यापक क्षेत्र होने के बाद भी तो ये समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं तो ये भी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए और हमारे अध्यापकों को इसके जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये वर्तमान में ये शब्द भी हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे और इनको भी हमें अंगीकृत करना है और इन शब्दों के बारे में भी स्वाध्याय हम निरंतर करते रहें एक मुख्य रूप से जो लास्ट जिसकी हम बात कर रहे थे जनसंख्या विस्फोट तो जैसे जैसे औद्योगिकरण या भूमंडलीकरण शहरीकरण और स्वतंत्रता की बातें हुई टेक्नोलॉजी की बातें हुई तो सामाजिक अध्ययन में एक ये शब्द और चर्चा में आता है जनसंख्या भी अपने आप में विस्फोट है पूरे विश्व में और ये प्रश्न है हमारे सामने कि ये विषय भी हमें पढ़ाया जाता है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करें या ना करें या जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित करना है और जनसंख्या को लेकर के हम कौन सी बातें हमें विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ानी है देखने में ये भी आया कि बहुत सारे देशों ने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया ले, लेकिन कुछ समय के बाद उनके सामने दूसरी समस्या आ गई कि वहाँ पर मैन पावर नहीं बची तो यदि समाज को पढ़ाना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है इस सब्जेक्ट को यदि हम द्वंद्द पैदा करता है मस्तिष्क में और चिंतन करने के लिए बाधित करता है और समाज सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे हमारे विद्यार्थियों को यदि हम ये पढ़ाएं ये विषय इसको टच यदि हम करें तो हम बहुत सावधानी पूर्वक और ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सारे शब्द हैं जो आधुनिक सामाजिक अध्ययन की स्थिति को हमारे सामने रखते हैं औद्योगिकीकरण शहरीकरण भूमंडलीकरण निजीकरण समानता बंधुता स्वतंत्रता न्याय वैज्ञानिकता बेरोजगारी गरीबी और जनसंख्या विस्फोट तो वर्तमान की सामाजिक अध्ययन की ये स्थिति है और विद्यार्थियों चर्चा को इस रोचक चर्चा को जारी रखेंगे अभी एक अल्प विराम का समय है अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस ध में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस आरोप टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच, पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा That विद्यार्थियों आज की परिचर्चा में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है परिचर्चा को जारी रखने से पहले आप लोगों की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है 508, 509 और 510 कोड नंबर की परीक्षा तिथि मैं आप लोगों को बतलाता चलूं कोड नंबर 508 का पेपर आपका 15 मार्च शुक्रवार दो बजकर तीस मिनट से पाँच बजकर तक कोड नंबर 509 और 510 का पेपर आपका 16 मार्च को होगा शनिवार के दिन दो बजकर तीस मिनट से पाँच बजकर तीस मिनट तक ब्रेक पर जाने से पहले हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि कौन से ऐसे नए शब्द हैं या नया कंसेप्ट है या यूँ कहें कि नया ताना बाना है समाज का कौन से ऐसे विषय हैं जो आज की वर्तमान स्थिति में सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं या प्रभावित करते हैं इसी के साथ साथ यदि हम देखें कि कुछ घटक ऐसे हैं जो सामाजिक अध्ययन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उनमें यदि हम सबसे पहले देखें तो हमारी जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसके घटकों में यदि हम सबसे पहले बात करें तो हमें देखना होगा क्योंकि मुख्य रूप से जो सोसाइटी है वो हमारे यहाँ पर स्त्री और पुरुष जिसको हम मेल फीमेल के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हैं कि मनुष्य की स्त्री हो या पुरुष उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे कौन सी हैं वो एक मुख्य घटक का एक बेस है हमारा और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेल फीमेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या सोसाइटी के लोगों की आवश्यकताओं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है वो कुछ क्रियाकलाप करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि सेकंड में उसके मूलभूत क्रियाकलाप कौन कौन से होंगे तो मूलभूत क्रियाकलाप में यदि हम देखें मुख्य रूप से सबसे पहला जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हमारा शब्द आता है या घटक आता है उसको कहते हैं हम उत्पादन और उपभोग यह हमारे जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और जो हमारी क्रियाओं को मूलभूत क्रियाकलापों को प्रभावित करता है कि सोसाइटी में उत्पादन क्या है और उसका उपभोग कैसे किया जाता है और कैसे हम सामाजिक जीव व्यवहारिक जीवन में उसके साथ या उत्पादन को कैसे उपयोग में लाते हैं सेकेंड हमारा उसी में ये एक संचार और यातायात मुख्य रूप से सामाजिक अध्ययन में जो हमारा कम्युनिकेशन का है और यातायात का है कंसेप्ट वो कैसे कि हम एक दूसरा एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे जो सूचना है वो कैसे पहुंचते हैं तो वो भी हमारे समाज का एक पार्ट है या घटक है नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन और मनोरंजन क्योंकि मनुष्य जो है वो उसके पास एक, एक लंबा जीवन है और बहुत सारे क्रियाकलाप हैं उसमें उन क्रियाकलाप के साथ साथ उसका मनुष्य का जो संवेगात्मक पक्ष है उस संवेगात्मक पक्ष को कैसे कंट्रोल करना है ये भी हमारे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है बच्चों को और वो मनोरंजन के माध्यम से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं संवेगात्मक जो विकास है उसका वो मनोरंजन के माध्यम से भी होता है एक हमारा जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं संस्थाएं हैं सरकार के हों या हमारे निजीकरण के हों या प्राइवेट हों या सामाजिक समाज के हों तो वो सरकार और संस्थाएं कैसे काम करती हैं संस्थाओं में जैसे हम अपने परिवार को ले सकते हैं गांव को ले सकते हैं शहर को ले सकते हैं या यूँ कहें कि एक वर्ग को ले सकते हैं कम्युनिटी को ले सकते हैं तो हमारे जो सिस्टम है उसके साथ ये चीज़ें संस्थाएँ कैसे काम करती हैं और लास्ट में हमारा एक सौंदर्य और धर्म जिसको हम कह सकते हैं एस्थेटिक की जो बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पढ़ाई जाती है सुंदरता केवल एक देखने मात्र से नहीं सुंदरता मतलब एक सोसाइटी का जो ताना बाना है उस ताना बाना में हम लोग कैसे हमारे जो अनुकूलन जो है यही अनुकूल कैसे होगा और पूरा जो सोसाइटी है उससे कैसे उत्साह से कैसे सीखेगा और कैसे उससे समायोजन स्थापित करके रखता है और कन किन मूल्यों का हम पालन करते हैं वो हमें धर्म सिखाता है किन चीज़ों को हम धारण करके रखते हैं धर्म की एक परिभाषा बड़ी शॉर्ट में मैं आप लोगों से चर्चा करूँ धृधातु एक संस्कृत में एक शब्द आता है धारण करना कौन से ऐसे मूल्यों को कौन से ऐसे सिद्धांतों को हम धारण करते हैं और उन धारण करने से वो हमें धर्म बताता है इसलिए कि मूल्य की मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो सत्यम शिवम सुंदरम की जैसे बात करते थे कि सत्य क्या है सुंदर क्या है और सत्य क्या है और शिव क्या है और सुंदर क्या है शिव से अभिप्राय क्या है कि एक अल्टीमेट जो पावर है वो कौन सी है तो उसको सुंदरता हमारा जो देखने का जो तरीका है उसको भी सत्यम शिवम सुंदरम सत्य वो जो शिव है जो अल्टीमेट पावर है और वही सुंदर भी है और वही सुंदर है तो शिव है और शिव ही सत्य है कि अल्टीमेट रियलिटी वही है तो वो हमें फिलोसॉफ़ी बताती है धर्म बताता है तो ये हमारे समाज विज्ञान के साथ साथ ये क्रियाकलाप में हमारे उत्पादन उपभोग संचार और यातायात शिक्षा और मनोरंजन सरकार और संस्थाएं सौंदर्य और धर्म ये घटक हैं मुख्य रूप से इसी के साथ साथ समाज विज्ञान के साथ जैसे प्रारंभ में भी हमने आप लोगों से चर्चा की उसमें इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र मनोविज्ञान मानव विज्ञान आदि बहुत सारे जो विषय हैं वो सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पढ़ाए जाते हैं और हमें वो आने भी चाहिए और हमारे विद्यार्थियों को हम उन बातों को लेकर के चर्चा करें तो हमारे ये सारे विषय जिन बातों को हम कहना चाहते हैं ये हमें हमें सिखाते हैं कि कैसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण काम करता है तो इसी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इन विषयों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विषय जो हैं ये आपस में एकीकृत हैं इंटीग्रेशन है इनका अंतर विषय सब्जेक्ट हैं ये और इसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे जीव विज्ञान है रसायन विज्ञान है अर्थशास्त्र है धर्म की बात जैसे मैंने आप लोगों से की राजनीति विज्ञान है शिक्षा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ही और इतिहास जिसके अंतर्गत जो पढ़ाते हैं वो है तो बहुत सारे मैं डॉक्टर महेश सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के साथ इन विषयों की जो ये विषय हैं आपस में ये कैसे इंटीग्रेटेड हैं और ये हम सामाजिक अध्ययन से कैसे बड़ा रोचक विषय है कि साइंस के सब्जेक्ट सामान्यतः हमारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जी डॉक्टर तो उन सब्जेक्ट को हम लेते हैं साइंस स्ट्रीम के बताने की कोशिश करते हैं जैसे एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट भी हमारे टीचर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ करके अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट uh, uh, करके पढ़ाते हैं जी विषय हैं लेकिन ये बड़ा रोचक विषय है कि इनको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इन विषयों को कैसे हम uh, परिभाषित कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप uh, विद्यार्थियों को ये uh, चर्चा करें कि कैसे इन विषयों को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं जी। uh, देखो डॉक्टर साहब जहाँ तक विज्ञान का अर्थ है विज्ञान का जो फलसफा है बिल्कुल साफ़ है वो कहता है कि लॉजिकल स्टडी यानी तथ्यों के आधार पर जो आप अध्ययन करते हैं वो विज्ञान कहलाता है तो विज्ञान एक तरह से अप्रोच है अब अप्रोच में अलग अलग विधाएं हैं उसकी जैसे आपने कहा कि रसायन है जीव विज्ञान है धर्म है दर्शन है अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ जैसे आपने धर्म को लिया धर्म है धर्म में बहुत सारी मान्यताएँ ऐसी होती हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं जैसे और उनका समाज देखो धर्म का और समाज का सीधा संबंध होता है बगैर किसी धर्म के समाज की प्रकलम नहीं कर सकते और बगैर समाज के किसी धर्म की कल्पना आप नहीं कर सकते बचपन में आपने देखा होगा हमारे और आपके बुजुर्ग भी कहते थे कि गर्मी के समय में दूध पी करके या दूध से बनी हुई अन्य चीज़ें खा करके घर से बाहर नहीं जाने दिया करते थे और वो एक कॉन्सेप्ट लगाते थे उसके साथ में जोड़ते थे कि बेटा भूत लग जाएंगे लेकिन वो विज्ञान था होता क्या है मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें एक लैक्टोजन पार्ट होता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का हो या इन्वायरमेंट का हो आपने देखा हो गर्मियों में एक घंटे दूध बाहर रखो फट जाता है वो अगर क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है यही रिएक्शन अगर बॉडी के अंदर होती है आप देखते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है केमिकल रिएक्शन है अब क्योंकि ये घटनाएं समाज में घटती हैं व्यक्ति से संबंधित हैं इसीलिए इन घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं हम आपने देखा होगा कई बार अखबारों की सुर्खियाँ होती हैं कि जहरीली शराब से इतने लोग ख़त्म हो गए वो एक सामाजिक घटना है और उस घटना का अध्ययन समाज में किया जाता है लेकिन उसके पीछे तथ्य का रहा जहरीला शराब अब वो शराब जहरीली थी उसमें कौन से केमिकल थे उसका कौन सा रिएक्शन हुआ ये एक मेडिकल साइंस आ गया अब मेडिकल साइंस और सामाजिक विज्ञान को आप अलग नहीं कर सकते सामाजिक अध्ययन को भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसी तरीके से आप आ, ले लें कि दर्शन शास्त्र है दर्शन शास्त्र में भी कोई भी दर्शन है आपकी मान्यता है वो धर्म से भी जुड़ी होती है उस समाज से भी जुड़ी होती है और समाज में उसका सीधा सीधा इंपैक्ट दिखाई देता है कोई भी घटना आप कहीं से भी उठा सकते हैं जीव विज्ञान है रसायन विज्ञान है अब जीव विज्ञान है विद्यालय आपने कहा कि सामाजिक अध्ययन जो है वो विद्यालय उसका सीधा सीधा सबसे एक दर्पण है विद्यालय में हम बच्चे को कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको यह आहार लेना चाहिए आहार किस विषय में आता है डॉक्टर साहब विज्ञान का विषय है जीव विज्ञान का विषय है उस आहार का आपके शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो कहेंगे कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है ये भी आप जानते हैं तो अब जीव विज्ञान का सीधा सीधा प्रभाव आपके सामाजिक अध्ययन से जुड़ जाता है दूसरा एक दूसरा पक्ष भी लें इसका कौन सा भोजन करें हम ताकि हम स्वस्थ रहें समाज हमारा स्वस्थ रहें बहुत सारे आपने देखे होंगे जैसे हमारा दूरदर्शन है या और बहुत सारे चैनल हैं प्राइवेट में एक हमारा भी चैनल है जिससे आप लोग बच्चों हम आपको देख रहे हैं आप हमको देख पा रहे हो बहुत सारे ऐड जिन्हें आप बोलते हैं विज्ञापन आते हैं वो भी एक समाज का पार्ट है अब धीरे धीरे आप देखा होगा एक स्ट्रीम डेवलप हो गई है समाज के अंदर जिसमें हम सिर्फ जो इससे संबंधित विषय हैं जिनको बोलते हैं हम पत्राचार जो होता है सॉरी ये जो एक बड़ी स्ट्रीम आई है जिसमें हम संचार के साथ साथ जो एड आते हैं ऐड को पढ़ाते हैं मास्टर लेवल पर एक सब्जेक्ट बन चुका है ये डॉक्टर साहब एक विषय है ये भी एक समाज विज्ञान अंदर आता है तीसरा आप रसायन की बात करते हैं रसायन का मतलब सीधा सीधा हम समझते हैं कि केमिकल से होता है लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो उसके शारीरिक चीज़ों को संबंध से जुड़ी होती हैं सीधे सीधे रसायन विज्ञान अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम जीव विज्ञान की बात कर रहे थे जीव विज्ञान में भोजन आपने कह दिया कि साहब आपको हरी सब्जियां खानी हैं अब हरी सब्जियां क्यों खानी हैं कि साहब उसमें लोहा होता है आयरन जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिकता प्रदान करता है कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बड़ा मजबूत है फैरिक एसिड होता है अब ये केमिकल्स हैं जो कि रसायनिक शास्त्र की परिधि में आते हैं अब इन तीनों या चारों इस ज्ञान की जो अब आपके पॉइंट लिए हैं इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते अलग नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और जुड़ी क्योंकि ये समाज से हैं इसीलिए सामाजिक अध्ययन का विषय भी इनके साथ जुड़ा हुआ डॉक्टर साहब दूसरा शिक्षा इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है हमको शिक्षा से मिलती डॉक्टर साहब तो इसलिए शिक्षा इन सबको इंटीग्रेट करता है एक दूसरे से शिक्षा के अंदर ये पढ़ाई आते हैं हमें तो हम ये कह सकते हैं ये तो रे विज्ञान से अब राजनीति शास्त्र है जैसे लोग कहते हैं कि अब इसका सब विज्ञान से कोई संबंध नहीं है बिल्कुल संबंध है सर राजनीतिक मापदंडों का जो निर्धारण करता है वो तो कौन करता है साहब समाज के अंदर यह भी इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है तीसरा धर्म हो गया राजनीति हो गया अब रसायन हो गया इन सब चीज़ों के मूल में आप ये तभी कर पाएंगे जब आपके पास अर्थ है ये सारी घटनाएं अर्थविहीन हो जाती हैं अगर आपके पास अर्थ नहीं है डॉक्टर साहब तो इसीलिए अर्थशास्त्र को अगर आप इसे जोड़ना चाहें तो सीधे सीधे संबंध है विज्ञान का आप अध्ययन करते हैं आपको आंकड़े भी चाहिए आंकड़े चाहेंगे आपको धन की आवश्यकता भी होती है अब उनका अध्ययन आप कहाँ करेंगे अर्थविज्ञान में करेंगे तो इकोनॉमिक्स से भी इसका सीधा सीधा संबंध है तो ये आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जितनी भी विधाएं हैं जो समाज के अंदर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हैं वो सामाजिक अध्ययन का विषय है कोई भी विषय ऐसी नहीं है जिसको आप कह सकें कि इसका समाज विज्ञान से संबंध नहीं है या इसको हम अलग कर सकते हैं या सीधे सीधे तौर जैसे साहब ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है तो ये डॉक्टर साहब एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है और इसमें सारी विधाएँ सामाजिक अध्ययन के दायरे में आती हैं जी डॉक्टर साहब एक सब्जेक्ट और मैं चर्चा करना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों से जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा था विधि एक सब्जेक्ट है जी तो कानून की जो शिक्षा है जी जी वो भी मैं समझता हूँ कि अब हाँ। विद्यार्थियों को कि ये भी इन हाँ, विषयों में शामिल कर सकते हैं क्यों क्योंकि क्यों जैसे मान लो जिस पेड़ है पेड़ हमें बचाने हैं पर्यावरण हमने बचाना है प्रदूषण से बचाना है तो यदि आपने पेड़ काट दिया तो आप जेल जाओगे हाँ लेकिन जेल जाना जो विषय है वो अपने आप में कानून का विषय है बिल्कुल डॉक्टर साहब किन धाराओं के अंतर्गत गया कौन सा अपराध किया तो वो जो नॉलेज है वो कानून की है लेकिन जाएगा सामाजिक अध्ययन की विषय से जी से के साथ से तो इन सब्जेक्ट का जैसे कि सर ने भी चर्चा की तो इन विषयों का हमारे यहाँ जो सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जाता है और सामाजिक अध्ययन के साथ ही उसमें वातावरण के साथ वो डायरेक्ट सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें हमारे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है विषय सारे के सारे एक और विषय मैं जैसे इसी में ही आपके जोड़ना चाहूंगा एक समाजशास्त्र जो विषय है जी तो ये भी इसका डायरेक्ट क्रियात्मक रूप से भी संबंध है हाँ साहब समाजशास्त्र का जहां तक संबंध है क्रियात्मक रूप से बिल्कुल है और समाजसाथ पूर्व में एक समाज साध था डॉक्टर साहब जैसे जैसे समाज में घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं से दूसरी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं अभी पिछले दिनों में एक विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ उसमें एक ऐड देख रहा था एडमिशन का उसमें था अपराध शास्त्र इससे पहले कभी मैंने नहीं सुना था अपराध शास्त्र जो समाज विज्ञान के अंदर पढ़ाया जाता था, था कि अपराध क्या होता है अपराधी कैसे होते हैं उनका जन्म कैसे होता है वगैरह वगैरह उसके बारे में बताते थे लेकिन अब मास्टर डिग्री यानी एम इन क्रिमिनोलॉजी पढ़ाया जाता है क्यों पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं इतनी घटित होने लगीं कि उनका अध्ययन इतना एक व्यापक रूप में बन गया कि हमें एक नई स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करने लगी करनी पड़ गई और जहाँ तक विधि की आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब एक बड़ी आजकल अब हर न्यूज़ चैनल पर हर आपको देखा होगा गंगा सफाई अभियान चल रहा है गंगा सफाई अभियान अब बात करते हैं नदियों की कहते हैं साहब ये तो जोग्रफ़ी का विषय है ये तो वहाँ पढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो समाज का दर्पण है अब जब जोग्रफ़ी की बात आती है तो उसमें फिर आपने साहब एन जी टी ने साहब रोक लगा दी अब एन जी टी क्या है एक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एक बॉडी है जो इस पर रोक लगाती है नियमों का निर्धारण करती है और वहाँ दंड का प्रावधान भी है डॉक्टर साहब इतने करोड़ इतने हज़ार करोड़ का बजट निर्धारित किया गया यानी एक ही घटना से बजट का निर्धारण होना सीधा सीधा अर्थविज्ञान है वो इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं सफाई किसकी करनी है हमें गंगा की वो ज्योग्राफी के अंदर आती है सफाई किसके लिए करनी है हमारे और हमारे समाज के लिए ये समाज से जुड़ा हुआ है सामाजिक विज्ञान है सफाई किन मापदंडों पर करनी है ये एन बताएगा वो कानून से जुड़ा हुआ मामला है तो एक ही घटना आप देखेंगे कितनी सारी चीज़ों को जोड़ती है तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि समाज के दायरे से कोई भी ज्ञान अछूता नहीं है और इनका सीधा सीधा संबंध समाज में होने वाली घटनाओं से होता है डॉक्टर साहब जी जी सर तो इसी के साथ साथ मैं विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहूँगा कि इसके समाजशास्त्र के साथ जैसे भूगोल की चर्चा की सर ने इतिहास भी इसके साथ सब्जेक्ट जैसे तो प्रारंभ में भी मैंने चर्चा की हिस्ट्री भी अपने आप में जैसे गंगा अभियान की आपने बात की जी जी तो उस संदर्भ में भी हम देखें कि हमें हमारे समाज को क्रियात्मक रूप से ऐतिहासिक इत जो घटनाएं सामान्यतः हम सामाजिक अध्ययन में ये विषय पढ़ाते हैं और ये सामान्य एक कंसेप्ट है कि ए, हम इतिहास पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत जी तो ऐतिहासिक इति, जो हमारे तथ्य हैं तो उन तथ्यों को भी हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ शामिल कर सकते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं सामाजिक अध्ययन में मुख्य रूप से भूगोल जी इतिहास सामाजिक मनोविज्ञान जिसकी आपने बात की दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र एक विषय और बड़ा रोचक है एक मानव विज्ञान जी तो मैं चाहूँगा कि आप विद्यार्थियों से इस सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ चर्चा करें कि मानव विज्ञान सामाजिक अध्ययन शिक्षण से कैसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है देखिए मानव विज्ञान वैसे तो वो इसके नाम से ही विदित हो जाता है मानव विज्ञान समाज का जो अस्तित्व है वो मनुष्य से है समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं वो मनुष्य से संबंधित होती हैं या मनुष्य द्वारा घटित होती हैं और मनुष्य से संबंधित जो अध्ययन है वो मानव की अंदरा था जिसे हम मानव विज्ञान बोलते हैं उसके बहुत सारे दायरे हैं मानव विज्ञान भी विश्वविद्यालय स्तर से पढ़ाया जाता था पूर्व में और अब वो भी समाज विज्ञान के अतर में इसका व्यवहारिक पक्ष भी हमारे इसमें आ चुका है डॉक्टर साहब तो इसलिए मानव विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण अंग है सामाजिक अध्ययन का जी उससे आप अछूता नहीं रह सकते तो उसी में ही राजनीतिक विज्ञान की तो आपने चर्चा कर ही ली और अर्थशास्त्र की तो जैसे प्रारंभ से ही हम चर्चा कर रहे हैं तो विद्यार्थियों विभिन्न रूप से यदि हम देखें इसके संबंधों की बात करें कि किन किन विषयों से संबंध है इनका तो मुख्य रूप से भूगोल इतिहास सामाजिक मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र समाजशास्त्र मानव विज्ञान राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये मुख्य रूप से विषय जो हैं एक नागरिक शास्त्र एक ये, और लोक की, विधि की जो बात कर रहे थे हम तो सामाजिक अध्ययन विषय में ये सब्जेक्ट और ये विषय ये है इन इन विषयों का अंतर संबंध है इनके साथ और एक सब्जेक्ट जैसे उस पर चर्चा मैं अपने विद्यार्थियों से करता चलूँ सामाजिक मनोविज्ञान और एक सब्जेक्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया सामाजिक मनोविज्ञान से अभिप्राय यही है कि समाज की जो सोसाइटी है जो सोसाइटी है हमारी उसके अपने एक साइकोलॉजिकल वो एनवायरमेंट होता है जी रखिए सामाजिक उसके यूँ कहें कि मन कैसे उसका समय के अनुसार चेंज होता चेंज हो रहा है और कौन कौन सी परिभाषाएं उसकी चेंज होती हैं समाज की जैसे मनोविज्ञान के बारे में हम बात करते हैं कि पहले दर्शन शास्त्र का विषय था लेकिन दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जो विषय है वो उत्पन्न होता है उसी से उत्पन्न हुआ है तो उसमें जब हम परिभाषा पढ़ते हैं मनोविज्ञान की तो उसमें चार स्टेज हमारी बताई के प्रारंभ में उसको आत्मा का विज्ञान बोलते थे जी जी लेकिन जैसे जैसे समाज और सोसाइटी का यूँ कहें कि उसके अर्थ को जब पढ़ने की कोशिश की होगी तो आत्मा अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्शन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है द्वंद्व पैदा करता है और उसको क्लियर उसकी परिभाषा निकल करके नहीं आई होगी या नहीं आई ऐसा हिस्ट्री मनोविज्ञान की बताती है तो समाज ने ही उसको फिर चेंज कर दिया तो उसको कहने लगे मन का विज्ञान तो मन के विज्ञान से जैसे चेतना का विज्ञान की बात करते हैं कॉन्सियस अनकॉन्सियस और सब कॉन्सियस की तो ऐसा ही मुझे लगता है कि इस सामाजिक अध्ययन विषय के साथ भी रहा होगा हाँ बिल्कुल तो लास्ट में जैसे आज जो बात करते हैं मनोविज्ञान में जो परिभाषा की बात करते हैं व्यवहार का विज्ञान है तो जैसे जैसे समय के अनुसार आत्मा का विज्ञान मन का विज्ञान चेतना का विज्ञान और वो तीनों चीज़ें ऐतिहासिक एतिहा, हो गई परिभाषाएं आज जो बात करते हैं मनोविज्ञान में व्यवहारिक्ञान है व्यवहारिक मनोविज्ञान की डॉक्टर साहब जहाँ तक हम बात करते हैं व्यवहारिक पक्ष जो समाज के अंदर मनोविज्ञान का है आप देखें पहले कोई भी दुखद घटना घटती थी तो एक हमारे समाज की संवेदना के लिए हम लोग वहाँ जाया करते थे और उस व्यक्ति को मानसिक तौर से संवेदना की शांत करते थे उसको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प भी करते थे उसके मन को बांटते थे लेकिन समाज का अपना जो मनोविज्ञान है वो पूरी तरह से बदल चुका है आज हम संचार माध्यम का इस्तेमाल करते हैं फ़ोन से ही उसको संवेदना व्यक्त कर देते हैं और कई बार तो आपने मैंने बड़ा देखा है कि अखबारों के अंदर विज्ञापन निकलता है जैसे शांति सभाएं की जाती हैं किसी की अंत्युष्टि की खबर दी जाती है तो एक जनरल विज्ञापन निकाल करके ये क्या है सब ये एक समाज का मनोविज्ञान है ये किस तरफ जा रहा है हालांकि इसके पीछे तथ्य कहाँ है वो एक अलग अलग विषय है हाँ। वो विज्ञान का विषय है उसमें उसमें हमारा तकनीकी भी मूल रूप से हावी है उसके साथ हमारा जो व्यस्त जिंदगी है शहरीकरण जिसे हम बोलते हैं नगरीकरण जैसा आपने बताया वो भी इसके पीछे तथ्य है लेकिन सारी चीज़ों को अगर मिलाए हैं तो हमारे समाज का जो मनोविज्ञान है वो निश्चित तौर से एक ऐसा विषय है जो नया विषय है और बिल्कुल अध्ययन के अंदर आना चाहिए जी जो तो समाज के समाज अपने आप में चेंज करता है बिल्कुल हाँ, परिभाषाओं को या तथ्यों को तो अपने अनुसार उसको स्थापित भी करता है जी तो इसलिए कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान भी इस सब्जेक्ट के साथ यही सब्जेक्ट में शामिल है हाँ। कि समाज का माइंड क्या काम करता है या समाज की वर्तमान स्थिति कैसी है उस स्थिति के हिसाब से भी अनुसार भी हम अपने सामाजिक अध्ययन विषय को व्यापक रूप प्रदान कर सकते हैं और उस विषय को शामिल भी कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भूगोल इतिहास सामाजिक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र मानव विज्ञान विधि विज्ञान राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये सामाजिक अध्ययन के जो विभिन्न विषय हैं ये क्रियात्मक रूप से संबंध रखते हैं और उन संबंधों के साथ भौतिक एवं सामाजिक वातावरण जो है हमारा जी 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 वो एक स्थापित करने में हेल्प मिलती है सहायता तो इन विषयों को यदि हम सबको पढ़ाने की कोशिश करें बच्चों को तो ये अपने आप में एक बहुत व्यापक विषय है और इस विषय को यदि हमारे विद्यार्थी अंगीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो चिंतन स्तर है सामाजिक अध्ययन के प्रति जी वो और रुचि है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी तो आज विद्यार्थियों हमने आप लोगों के साथ है सामाजिक अध्ययन के जो प्रकृति है जी। उसका जो कंसेप्ट है अवधारणा है उसके जो घटक हैं या योग वर्तमान स्थिति है और उसके अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है इस पर चर्चा की एक नए विषय के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में या व्याख्यान में आपके समक्ष उपस्थित होंगे तो विद्यार्थियों आज की परिचर्चा में केवल इतना ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद